Dear brothers and sisters, let us turn in our Bibles once again today to Genesis chapter 1, please. आइए प्रिय भाई बहनों, हम अपने बाइबल पवित्र शास्त्र को फिर एक बार आज के लिए उत्पत्ति की पुस्तक पहला अध्याय में आते हैं. Genesis chapter 1. उत्पत्ति की पुस्तक पहला अध्याय. Let us read once again from verse 1. एक पद से लेकर हम फिर एक बार पढ़ेंगे. And today we are going to read till verse 21, please. 21 पद तक हम प्रिय पढ़ेंगे प्रियो. Now as we read, you try to identify the things God has done each day of the creation. जैसे हम पढ़ते हैं, आप कृपया इसको ध्यान दीजिएगा. प्रतिदिन सृष्टि के परमेश्वर ने कौन कौन सी बातें की है. So Genesis chapter 1:1-21. Responsibly, please. उत्पत्ति की पुस्तक एक से लेकर 21 पद तक बारी बारी से पढ़ेंगे. आदि में परमेश्वर ने आकाश और पृथ्वी की सृष्टि की. दो पढ़िए. तीन पढ़वा. जब परमेश्वर ने कहा उजियाला हो, तो उजियाला हो गया. चार. और परमेश्वर ने उजियाले को दिन और अंधियारे को रात कहा, तथा सांझ हुई, फिर भोर हुआ. इस प्रकार पहला दिन हो गया. सेवन. तब परमेश्वर ने अंतर बनाकर उसको नीचे का जल और उसके ऊपर के जल को अलग अलग किया, और वैसा ही हो गया. परमेश्वर ने कहा आकाश के नीचे का जल एक स्थान में इकट्ठा हो जाए और सूखी भूमि दिखाई दे, और वैसा ही हो गया. ग्यारह. फिर परमेश्वर ने कहा पृथ्वी से हरी घास तथा बीज वाले छोटे छोटे पेड़ और फलदायी वृक्ष भी, जिनके बीज उन्हीं में एक एक की जाति के अनुसार हैं, पृथ्वी पर उगे, और वैसा ही हो गया. इस प्रकार तीसरा दिन हो गया. पंद्रह. और वे ज्योतियां आकाश के अंतर में पृथ्वी पर प्रकाश देने के लिए भी ठहरे, और वैसा ही हो गया. सोलह पढ़िए. परमेश्वर ने उनको आकाश के अंतर में इसलिए रखा कि वे पृथ्वी पर प्रकाश दे. अठारह. उन्नीस. तथा सांझ हुई, फिर भोर हुआ. इस प्रकार चौथा दिन हो गया. बीस पढ़िए. इसलिए परमेश्वर ने जाति जाति के बड़े बड़े जल जंतुओं की और उन सब जीवित प्राणियों की भी सृष्टि की जो चलते फिरते हैं, जिनसे जल बहुत ही भर गया, और एक एक जाति के उड़ने वाले पक्षियों की भी सृष्टि की, और परमेश्वर ने देखा कि अच्छा है. Our God is a great God. हमारा परमेश्वर महान परमेश्वर है. He is the only God. वो ही परमेश्वर है. Any other God that man has imagined in their mind is only an imagination and they do not exist. और दूसरे अगर कोई देवता है जो मनुष्य के कल्पना में आए हैं, तो वो केवल काल्पनिक है, परंतु वो सचमुच परमेश्वर नहीं है. Our great God created the great universe. हमारे महान परमेश्वर ने इस महान विश्व को बनाया. And he has recorded in very simple words in the Bible how he did it. और बाइबल पवित्र शास्त्र में बड़े साधारण शब्दों में लिखा है किस प्रकार विश्व की रचना की. So in chapter 1 we have each step of the creation day after day. और उत्पत्ति की पुस्तक पहला अध्याय में एक-एक कदम-कदम पर हर दिन की सृष्टि को देखते हैं. We also remind ourselves that our God is
हम जानते हैं कि हमारा परमेश्वर सर्वज्ञानी परमेश्वर है. How wise he is. कितना ज्ञानी है. He has all the wisdom. उसके पास सर्व ज्ञान संपन्न है. Every knowledge. हर एक ज्ञान. Not only knowledge, he will know everything that is happening. और केवल ज्ञान ही नहीं परंतु जो कुछ घटता है सब कुछ परमेश्वर जानता है. There are 7 billion people in the world today. आज सारे संसार में 7 billion लोग हैं. Each billion is 1,000 million. और 1 billion का मतलब है 1,000,000,000. So we have this over 7 billion people in the world today, and the Bible says that every thought that is going on in every mind is known by God at that very moment. तकरीबन हम जानते हैं कि सारे पृथ्वी पर 70,000,000 लोग जीवित हैं और हर एक के मस्तिष्क में क्या क्या उत्पन्न होता है ये सब कुछ परमेश्वर जानता है. Not only that. इतना ही नहीं. Before we ever thought anything. हम इससे पहले की कुछ सोचे. God knew what we are going to think of. परमेश्वर ये भी जानता है कि हम क्या सोचने वाले हैं. Just imagine 7 billion people. सोच के देखिएगा 70,000,000,000 लोग. God already knew every thought that will cross our mind today. और इतने लाखों लोगों के मन में कौन से विचार आने वाले हैं वो परमेश्वर पहले से जानता है. How wise is our God? हमारा परमेश्वर कितना ज्ञानी है. He is the God, the true God whom we should worship. और वही वो सच्चा परमेश्वर है जिसकी हमें उपासना करनी है. And in his great wisdom, अपने बड़े ज्ञान के द्वारा we find that he has inspired and given his word to us. और उस ज्ञान के द्वारा उसने प्रेरणा देकर अपना पवित्र वचन हमको दिया है. The value of the word of God is not limited to the language, the words that are written. परमेश्वर के वचन का जो मोल है वो लिखी गई भाषा लिखे गए शब्दों तक सीमित नहीं है. We find that certain lines that were written in the Old Testament time are then further explained in the New Testament. हम देखते कई ऐसे वचन हैं जो पुराने नियम में लिखे गए हैं उनको नए नियम में दोबारा समझाया और बताया गया है. And also the Bible says all that was written in the Old Testament times were written for our knowledge, our instruction. और बाइबल बताती है कि पुराने नियम के पुस्तक में जितने बातें लिखी गई है सब हमारे समझने के लिए शिक्षा पाने के लिए दी गई है. That is why we find in every passage of the Bible he has hidden his thoughts. और इसीलिए परमेश्वर ने अपने वचन के हर एक भाग में अपने विचारों को उसने गुप्त रखा है. Genesis chapter 1 has all the plans of God he has for mankind all hidden. और उत्पत्ति की पुस्तक में मनुष्य जाति के लिए परमेश्वर की जितनी योजना है सब कुछ वहाँ गुप्त रखा है. Because he is all wise and almighty. क्योंकि वो सर्वज्ञानी है सर्वशक्तिमान है. Everything the human history was before him he knew it as it had already happened and finished. सारे मनुष्य जाति का इतिहास जो है उसके सामने ऐसा था जैसा वो पहले ही गतित हो चुका है. What a consolation we have. कितनी बड़ी सांत्वना हमें मिलती है. We have such a God. ऐसा परमेश्वर है हमारा. Then why should we worry about so many things? फिर हमें इतनी बातों की चिंता क्यों करना? Before anything happens, he knows about it. कुछ भी घटना होने से पहले हमारा परमेश्वर उसे जानता है. He will prepare us for any situation. वो हमें हर एक परिस्थिति के लिए तैयार करता है. So concerning the things that are written in the book of Genesis chapter 1. उत्पत्ति की पुस्तक पहला अध्याय में जो बातें लिखी है उनके विचार में देखते हुए. The Bible says that all the works were actually finished before the foundation of the world. बाइबल बताती है कि जगत की उत्पत्ति से पहले ही परमेश्वर ने अपने सारे कामों को पूरा कर दिया था. Hebrews chapter 4 verse 3. इब्रानी की पत्री 4 अध्याय का 3 पद प्रियो. Hebrews chapter 4 and verse 3. इब्रानियों 4 अध्याय और उसका 3 पद पढ़ता हूँ. For which have believed do enter into rest, as he said, as I have shown in my wrath, if they shall enter into my rest, although the works were finished
from the foundation of the world. परंतु हम जिन्होंने विश्वास किया है उस विश्राम में प्रवेश करते हैं, जैसा उसने कहा, मैंने अपने क्रोध में शपथ खाई थी कि वे मेरे विश्राम में प्रवेश न करने पाएंगे, यद्यपि जगत की उत्पत्ति के समय से उसके काम पूरा हो चुके थे। Did you see that last line? आखिरी भाग देखिए। Although the works were finished from the foundation of the world. परमेश्वर के काम जो है जगत की उत्पत्ति से ही समाप्त हो चुके हैं, पूरे हो चुके हैं। In the mind and purpose of God, the work was already finished. परमेश्वर की इच्छा में और उसके योजना में उसने पहले ही उन कामों को पूरा कर लिया। Now this is why we can worship God. और इसीलिए प्रभु की आराधना कर सकते हैं। God does not depend on our performance. परमेश्वर किसी भी काम के लिए हमारी क्षमता पर आधारित या निर्भर नहीं है। The work is finished in the mind and purpose of God. उसके मन में उसकी योजना में पहले ही उसने काम को पूरा कर दिया है। So that is why that things that are relating to us today, our salvation, our condition, they are also written in the book of Genesis chapter 1. और इसीलिए हमारे जीवन के विषय की बातें, उद्धार के विषय की बातें, और आज हमारे जीवन में क्या है, उस सब बातों को उत्पत्ति पहले अध्याय में पहले से लिख रखा उसने। So let us look to the Lord for His enabling and His prayer, His enabling and His help. और आज हम प्रार्थना में प्रभु की और उसकी सहायता और मदद के लिए देखेंगे। In prayer, let us ask the Lord to help us. प्रार्थना में प्रभु से मांगेंगे कि वो हमारी सहायता करे। To understand the work that He has already finished in His mind and in His purpose. जो काम परमेश्वर ने पहले ही अपने मन में, अपनी योजना में पूरा कर चुका है, उसको जानने की क्षमता पाने के लिए प्रार्थना करेंगे। The secrets hidden in the book of Genesis chapter 1. उत्पत्ति की पुस्तक पहले अध्याय में जो बातें गुप्त हैं, मर्म हैं, उनको जानने के लिए। Shall we pray now sincerely, asking God to help us to understand? आइए हम मिलकर पूरे सच्चाई से प्रार्थना करेंगे कि प्रभु हमारी सहायता करें इन वचनों को समझने और ग्रहण करने के लिए। Shall we pray? आइए प्रार्थना करेंगे। Our gracious, loving heavenly Father. हमारे अनुग्रहकारी प्रेमी स्वर्गीय परमेश्वर पिताजी। Lord, we worship Thee. हे प्रभु, हम आपकी आराधना करते हैं। We bow down before Thee. हम आपके सन्मुख झुक जाते हैं। Thou, our all wise God. आप हमारा सर्वज्ञानी परमेश्वर है। Who knows every thought in our mind. हमारे मस्तिष्क के हरेक विचार को आप जानते हैं। Lord, we thank Thee that Thou hast purposed and planned everything about us and Lord our own eternal good and eternal destiny before the foundation of the world. परमेश्वर आपको धन्यवाद देते हैं कि आपने हमारे अनंत काल की भलाई के लिए, अनंत काल के हमारे अंत के लिए उत्पत्ति से पहले ही सब कुछ तय कर रखा है। As we read Genesis chapter 1, Lord, speak to us, teach us concerning the great plan of God. हम उत्पत्ति की पुस्तक पहला अध्याय पढ़ते हैं, आप हमारे लिए जो पहले से तैयार किए हैं उन बड़ी योजनाओं के बारे में बातें करें। Salvation is thy first plan. सबसे पहली योजना उद्धार की योजना है। There was darkness over our hearts. हमारे हृदय में तो अंधकार मंडरा रहा था। We had a dead spirit. हमारी आत्मा मरी हुई थी। A darkened soul. परंतु आपने हमें शांति दिया। A defiled body. और एक अपवित्र शरीर। But Lord, Thou hast now quickened our spirit. आपने हमारी मरी हुई आत्मा को जिलाया। Enlightened our soul. हमारे अंधकार में प्राण को ज्योतिर्मय किया। Sanctified our body. हमारे अपवित्र देह को शुद्ध किया। Lord, we thank Thee. हे प्रभु, हम आपको धन्यवाद देते हैं। All these things because of the efficacy of the precious blood of Thy dear Son, the Lord Jesus. ये सारी बातें आपके प्रिय पुत्र प्रभु यीशु मसीह के लहू की सामर्थ्य से हुआ। He is our loving Savior. वो हमारा प्रेमी उद्धार करता है। He is our gracious Savior. वो हमारा अनुग्रहकारी छुड़ाने वाला है। He is our heavenly Savior. वो हमारा स्वर्गीय तारना उतारक है। Lord, now minister to our needs. हे प्रभु, हमारी आवश्यकता के अनुसार हमसे बातें करे। Thou art the faithful minister of the holy sanctuary. आप अपने पवित्र स्थान के विश्वास योग्य सेवक हैं आप। So teach us thy word. हमें आपका वचन सिखाइए। Lord, help us to see the second principle hidden in thy word. आपके वचन में छिपे हुए दूसरे
मर्म को या उस नियम को हम देख सके. We have received salvation, Lord. हमने उद्धार को तो पाया प्रभु जी. Now, Lord, we must live worthy of thy calling. हे प्रभु अभी हमें आपके बुलाहट के योग्य चाल चलन चलना है. So help us. So हमारी सहायता करें. Accept our thanksgiving and praise in the name of our loving Savior. The Lord Jesus Christ, we pray. हमारे धन्यवाद स्तुति और प्रार्थना को ग्रहण करें हमारे उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के पवित्र नाम से चढ़ाते हैं. आमीन. We find in verse 6 what God did on the second day. 6 पद में हम पढ़ते उत्पत्ति के पहले अध्याय में दूसरे दिन परमेश्वर ने क्या रचा. God made the firmament. परमेश्वर ने पृथ्वी आकाश को बनाया. And then he divided the waters which were under the firmament from the waters which were above the firmament. और परमेश्वर ने आकाश के ऊपर के जल और उसके नीचे के जल को दो भाग में अलग किया. Now God is doing the work of separation or division. यहाँ परमेश्वर जो है अलगाव करने का जो काम कर रहा है. This is a very interesting scientific statement. ये बहुत ही दिलचस्प और वैज्ञानिक बात है. This is the beginning of the water cycle that we know that we are talking about today. ये जो है आज हम जो जल का चक्रव्यूह कहते हैं उसका आरंभ है प्रियो. This is a great miracle. ये बहुत अद्भुत बात है. There is water above us. हमारे ऊपर भी जल है. When you go out, you can see the clouds. आप बाहर जाते हैं तो आपको आकाश में बादल दिखते हैं. This morning also, the water that was above us came down. और आज सुबह भी जो हमारे ऊपर का जल था वो नीचे बरसा है. And then this water that is below will again go up. फिर जो नीचे बरसा हुआ पानी है वो फिर से ऊपर जाएगा. Who arranged all that? इसकी ये सब बातों को किसने तय किया? Our God planned it and executed it. हमारे परमेश्वर ने उसकी योजना बनाई और उसे पूरा भी किया. But see the message there. लेकिन यहाँ संदेश को देखें. Above is water, below is water. ऊपर भी जल है नीचे भी जल है. Same water. एक ही जल है. Some water can be called heavenly water. कुछ जल को आकाश का जल कह सकते हैं स्वर्गीय जल. Some water can be called earthly water. और कुछ जल को कहा जा सकता है कि भूमि का जल. And this earthly water going upward and become heavenly water is a miracle. और ये भूमि पृथ्वी का जल जो है ऊपर उठता है और आकाश का जो स्वर्गीय जल बनता है ये अचंभे की बात है. We can't do that. हम नहीं कर सकते ये काम. We can take some water and throw up, but it will not go up. It will come down. हम पानी लेकर जल लेकर ऊपर डालेंगे लेकिन वो ऊपर नहीं जाएगा नीचे आ जाएगा. But God has set in motion a very special process by which it will go up, up, up. लेकिन परमेश्वर ने एक ऐसी प्रक्रिया को वहां पर लागू किया है कि जिसके द्वारा जल जो है ऊपर को उठ सकता है. Now today we, for us to go up, we need an aeroplane. अगर हमें आज ऊपर उड़ना है तो हमें हवाई जहाज चाहिए. It has lot of power. उसके अंदर बहुत ताकत होती है. Very powerful engines are there. बहुत ही ताकतवर इंजन उसके अंदर है. But water has no engine. जल के पास तो कोई इंजन नहीं है. But still it is going up. फिर भी वो पानी ऊपर जाता है. It is so heavy. वो इतना भारी होता है पानी. Now today when rain comes, आज जब बारिश आएगा, we keep a big bucket outside. एक बड़ा बाल्टी रख दीजिए बाहर. Bucket will be full. 5 मिनट में बाल्टी भर जाएगी. And you cannot carry it. और आप उस बाल्टी को उठा नहीं पाएंगे. How many buckets has come down like that? सोचिए एक बार जब बारिश गिरती है तो कितने बकेट पानी नीचे गिरता है. In one rain, millions of buckets. एक बार बारिश गिरती है तो लाखों बाल्टी पानी गिरती है. Millions of buckets full of water. और लाखों करोड़ों बाल्टियां भर भर के पानी ऊपर से नीचे गिरती है. We cannot carry them. इतना पानी हम उठा नहीं सकते कभी. But God sent them up. लेकिन परमेश्वर ने ही उसे ऊपर भेजा. According to his own plan and program. अपने ही योजना के क्रम के अनुसार. This evaporation is such a wonderful thing. We can learn about evaporation, what really happens, but it is God who set in motion. प्रियो ये पानी का जो वायु बन जाना का प्रक्रिया है इसको हम केवल पढ़ सकते हैं या जान सकते हैं लेकिन इसको चलित करने वाला इसको शुरू करने वाला तो परमेश्वर स्वयं है. So it is a miracle.
इसीलिए ये आश्चर्य काम है. Similarly, इसी प्रकार God says that some people of this earth are called heavenly people. और इसलिए परमेश्वर कहता है कि इस पृथ्वी में कुछ लोगों को वो स्वर्गिक लोग कहता है. Not that they are going up. इसलिए नहीं कि वो ऊपर उड़ रहे हैं. They are living on the face of the earth. पृथ्वी के ऊपर ही जी रहे हैं. But they have a heavenly nature. लेकिन उनका स्वर्गीय स्वभाव है. And that verse says. और वो वचन कहता है. God divided the water from the water. परमेश्वर ने ऊपर का जल और नीचे का जल को अलग कर दिया. Water above the firmament. और ऊपर का जल. Water under the firmament. और नीचे का जल. So today God has in this world two kinds of people. और इसीलिए आज परमेश्वर के इस संसार में दो प्रकार के लोग हैं. Those who are heavenly people. एक तो वो है जो ऊपर के स्वर्गीय लोग हैं. Those who are earthly people. दूसरे वो हैं जो पृथ्वी के संसारिक लोग हैं. If you are a born again child of God, you are of that heavenly group. अगर आप नए सिरे से जन्म पाए हुए परमेश्वर की संतान हैं, तो आप स्वर्गीय लोगों के झुंड के हैं. God has done a miracle. परमेश्वर ने अचंभा किया. He has now gathered you to the group of heavenly people. परमेश्वर ने अभी आपको उस स्वर्गीय लोगों के झुंड में इकट्ठा किया है. There has to be a difference between heavenly and the earthly. और स्वर्गीय और पृथ्वी के इन दोनों के बीच में अंतर होना जरूरी है. God's people must be a separated people. परमेश्वर के लोगों को अवश्य ही अलग किए गए लोग बनना है. Our principles are not the principles followed by the earthly people. हम जिन नियमों का पालन करते हैं वो संसारिक लोगों के नियम के अनुसार नहीं है. Please let us understand this. कृपया करके इसको समझने की कोशिश करें. Let us accept this. इसे ग्रहण करें. Let us follow this. इसका अनुकरण करें. That we are people with a heavenly calling. कि हम वो लोग हैं जिन्हें परमेश्वर ने स्वर्गीय बुलाए से बुलाया है. Now that's all God did on the second day. ये सब परमेश्वर ने दूसरे दिन में किया. He just separated the water from the water. परमेश्वर ने जल को जल से अलग किया. They are water only. दोनों जल है. Like that, we are also human beings. उसी प्रकार हम भी मनुष्य मात्र हैं. Believers and non-believers are all human. चाहे विश्वासी हो अविश्वासी हो सभी मनुष्य हैं. Are there any angels here? यहाँ पे स्वर्गदूत तो नहीं बैठा. No angels. कोई नहीं है. All are human beings. सब मनुष्य हैं. But we are heavenly human beings. लेकिन हम स्वर्गीय मनुष्य हैं. It is a simple truth. ये बस साधारण सी सच्चाई है. But such an important truth. लेकिन बहुत ही महत्वपूर्ण सच्चाई है. We must live like heavenly people. हमें स्वर्गीय लोगों के समान जीवन व्यतीत करना है. Hebrews chapter 3 verse 1. इब्रानियों की पत्री उसका तीसरा अध्याय और पहला पद. It reminds us of that heavenly nature. यह हमें स्वर्गीय स्वभाव के बारे में बताता है. Therefore, holy brethren, partakers of the heavenly calling. इसलिए है पवित्र भाइयों तुम जो स्वर्गीय बुलाहट में भागी हो. God has called us with a heavenly calling. परमेश्वर ने हमें स्वर्गीय बुलाहट से बुलाया है. To the people who have a heavenly calling, जिन लोगों में स्वर्गीय बुलाहट पाया है, God sent down a heavenly savior. परमेश्वर ने उनके लिए स्वर्गीय उद्धार कर्ता को भेजा. And our Lord Jesus Christ came from heaven. और हमारा उद्धार कर्ता परमेश्वर से स्वर्ग से उतर कर आया. God sent his only begotten son. परमेश्वर ने अपना इकलौते पुत्र को भेज दिया. And he came down to this world to save us. और वो इस संसार में पृथ्वी पर हमें उद्धार देने के लिए उतर आया. So let us now understand our heavenly calling. आज इसलिए हमें अपने स्वर्गीय बुलाहट को समझना है. And he is
higher than the heavens. और हमारा उद्धार करता तो स्वर्गों से भी ऊंचा है. See Hebrews chapter 7 verse 26. इब्रानियों की पत्री 7 अध्याय का 26 पद. Hebrews 7:26 for such an high priest became us who is holy, harmless, undefiled, separate from sinners, made higher than the heavens. इब्रानी 7 का 26 आता है. ऐसा ही महायाजक हमारे योग्य था जो पवित्र और निष्कपट और निर्मल और पापियों से अलग स्वर्ग से भी ऊंचा किया हुआ हो. So we have a heavenly savior. हमारा स्वर्गीय उद्धार करता है. Called by a heavenly calling. स्वर्गीय बुलाहट से हमको बुलाया है. Let us maintain that distinctive nature, that very different nature that God has given us. यो हमें परमेश्वर ने जो स्वभाव दिया है, उस स्वभाव के अलगाव को हम निरंतर बनाए रखें. God says that we now have a heavenly seat also. कहता है परमेश्वर हमारे लिए अब हमें स्वर्गीय स्थान बिठाया है. We are seated in a heavenly seat. कहता है स्वर्गीय स्थान में बिठाया है. Yes, shall we see Ephesians chapter 2? Ephesians की पत्री दूसरा अध्याय. Let us now read six. Verse 6. Verse 6 we are reading Ephesians 2:6 and hath raised us up together and made us sit together in heavenly places in Christ Jesus. और मसीह यीशु ने उसके साथ उठाया स्वर्गीय स्थानों में उसके साथ बैठाया. We have a heavenly seat. हमारा एक स्वर्गीय स्थान है. It is true that we are now today seated on the ground. कोई संदेह नहीं हम अभी यहाँ पृथ्वी पर नीचे बैठे हैं. But remember by faith we must believe what God says. विश्वास के साथ जो कुछ परमेश्वर का वचन कहता है हमें उसे ग्रहण करना है. We are made to sit together in heavenly places in Christ Jesus. हम मसीह यीशु में स्वर्गीय स्थानों में उसके साथ में बैठाए जा चुके हैं. We live in two places. हम दो स्थानों में जीवन बिता रहे हैं. On the earth and above the earth. हम पृथ्वी पर भी जी रहे हैं और ऊपर भी जी रहे हैं. We must believe it. हमें विश्वास करना है बस. So we have a heavenly place or a heavenly seat also. हमारे लिए स्वर्गीय स्थान है, स्वर्गीय आसन हमारे लिए दिया गया है. And the Bible says that we have today a heavenly high priest. अब अर्थात हमारे लिए एक स्वर्गीय महायाजक है. And we see that in Hebrews chapter 4. इब्रानी की पत्री 4 अध्याय में पढ़ते हैं उसको. Verse 14. और उसका 14 पद में. 14. Seeing then that we have a great high priest that is passed into the heavens, Jesus the Son of God, let us hold fast our profession. इसलिए जब हमारा ऐसा बड़ा महायाजक है जो स्वर्गों से होकर गया है अर्थात परमेश्वर का पुत्र यीशु, तो आओ हम अपने अंगीकार को दृढ़ता से थामे रहें. Do you appreciate the high priestly ministry of the Lord Jesus? क्या आप प्रभु यीशु मसीह के महायाजक की सेवा को ग्रहण करते हैं? We are constantly saying, He is our Savior, He died on the cross, He rose again the third day, and our story ends there. हम बार बार यही कहते हैं कि वो मेरा उद्धार करता है, मेरे लिए क्रूस पर मारा गया है, गाड़ा गया है, जी उठाए बस. He is going to take us to heaven. और मुझे स्वर्ग ले जाएगा. Sometimes we say a little bit more also. कई बार कुछ थोड़ा ज्यादा बोलते हैं. We say, He is our shepherd. कहते हैं वो मेरा चरवा है. He will bless us. वो हमें आशीष देता है. He will provide for us. वो हमारी आवश्यकताओं को पूरी करता है. He will look after us when we are sleeping. जब हम सोते भी तो हमारी देखरेख करता है. He is my shepherd. वो मेरा चरवा है. But remember, याद रखो, see his present occupation. उसकी प्रस्तुत वृत्ति को देखो. We have a high priest. Seeing then that we have a high priest. कहते हमारा ऐसा महायाजक है. So our life is actually very heavenly nature. हमारा जो जीवन है स्वर्गीय स्वभाव का है. We have no earthly priest. हमारे लिए कोई पृथ्वी पर कोई याजक नहीं है. All the religions will have a priest. सारे धर्मों में कोई न कोई याजक या पुरोहित होगा. They are earthly priests. वो सब केवल सांसारिक याजक या पुरोहित है. They are given a special garment. उनको एक विशेष वस्त्र दिया जाएगा. Whatever the color may be. कुछ कोई भी रंग क्यों न उसका. They have to wear that garment before they can serve God. उनको वही
वस्त्र पहनकर उनके धर्म की सेवा करना है. Otherwise they cannot go before people. Nobody will not take notice of him. नहीं तो वो वस्त्र पहने बिना अगर वो लोगों के सामने जाएंगे तो कोई उनको उनका पुरोहित या पंडित नहीं मानेगा. They are called earthly priests. वे तो केवल पृथ्वी के याजक हुए. Now a Christian believer does not have earthly priests. मसीह विश्वासी को पृथ्वी पर कोई याजक या पुरोहित नहीं है. They have only one priest who is heavenly priest. एक ही महायाजक है वो स्वर्गीय महायाजक है. Remember that. इस बात पर याद रखना. In the church we have our leaders. हम कलीसिया में अगुए हैं हमारे. Who can teach us the word. जो हमें वचन की शिक्षा देते हैं. Who can look after our spiritual well-being. जो हमारे आत्मिक भलाई के लिए देखभाल करते हैं. But don't try to think in the terms of other religious organizations. लेकिन दूसरे धर्म के संस्थाओं के समान हमारे पास भी जो है वो याजक है बोल के नहीं सोचना. Do not think that they are priests. ये मत सोचो कि ये याजक हैं. They are leaders. वे अगुए हैं. Men of God. परमेश्वर के जन हैं. Whom God has raised up. जिन्हें परमेश्वर ने उठाया है. Who can help us. जो हमारे सहायक हैं. Who can guide us. जो हमारे अगुए हैं. Who can teach us. जो हमें शिक्षा देते हैं. But they cannot do much about your spiritual well-being, which our heavenly high priest can do. लेकिन जैसा स्वर्गीय महायाजक कर सकता है वैसा काम कोई मनुष्य आपके लिए नहीं कर सकता. Heavenly high priest is doing some work. स्वर्गीय महायाजक एक विशेष काम करता है. Very important work. बहुत ही प्रमुख काम करता है. We cannot live our Christian life without that work. उस कार्य के बिना हम अपने मसीह जीवन को कभी नहीं जी सकते. What is that work? वो क्या काम है? Work of interceding on our behalf. हमारे पक्ष में वो विनती और याचना करता है. Now many of us have forgotten about it. हम में से कई उसके बारे में भूल चुके हैं. Many Christian denominations have forgotten about it. कई मसीह संस्थाएं इस विषय को भुला चुकी है. Why is that? क्यों? Because they appoint the priest for themselves. क्योंकि उन्होंने अपने लिए एक पृथ्वी का याजक नियुक्त कर लिया. They think that priest is doing everything. वो सोचते हैं कि ये याजक जो हमको बिठा दिया हमें वो हमारे लिए सब कुछ करता है. It is the heavenly high priest. स्वर्गीय महायाजक है हमारा. The Bible says he is interceding on our behalf. बाइबल बताती है वो हमारे पक्ष में परमपिता के पास मध्यस्थी करता है. My little children, I write these things unto you that you may not sin. कहता है मेरे प्रिय बालकों ये बातें मैं तुम्हें इसलिए लिखता हूँ कि तुम पाप न करो. If any man sin, we have an advocate before the Father, Jesus Christ the righteous. कहता यदि कोई पाप करे तो पिता के पास हमारा एक ऐसा सहायक है अर्थात धर्मी यीशु मसीह. We have a heavenly high priest. हमारा एक स्वर्गीय महायाजक है. So we must live like that heavenly people. और इसीलिए हमें वो स्वर्गीय लोगों के समान जीवन बिताना है. So somebody might ask, where are you going? कोई पूछेगा कहाँ जा रहे हैं? I'm going to church. हम बोलेंगे हम चर्च को जा रहे हैं. What is the name of your priest? तुम्हारे पादरी का नाम क्या है? You must say the Lord Jesus Christ. हमारा पादरी तो प्रभु यीशु मसीह है. The Lord Jesus Christ. हमारा प्रभु यीशु मसीह हमारा महायाजक है. What is it? Lord Jesus? He is the priest? Yes. अरे तुम्हारे चर्च में यीशु मसीह पादरी है क्या? हाँ. Show them from the Bible, from this Hebrews chapter 4 verse 15. इब्रानी 4 का 15 खोल कर दिखा दो उनको. Then chapter 7:25. और 7 का 25 बता पढ़ा दो. He is our heavenly high priest. वो हमारा स्वर्गीय महायाजक है. He is called the eternal heavenly high priest after the order of Melchizedek, who ever lived to make intercession for us. कहता है कि वो मेलकिसेदेक के क्रम के अनुसार अनंत काल के लिए निरंतर महायाजक है. He will appear before the Father on behalf of us. वो पिता के सम्मुख हमारे पक्ष में होकर प्रस्तुत होता है. Even now. अभी भी. Today also. आज भी. Today do you think you are good enough? आज ये सोच रहे हैं कि आप बहुत अच्छे हैं? That you are sinless? कि आप पाप रहित हो? No. We are full of failure even when we think we are very good. हम जब सोचते हैं कि हम बहुत अच्छे हैं उस समय में हम पूरी असफलताओं से भरे पड़े हैं. We can go before the mirror and stand and say, today I am very good. हो सकता है आईने के दर्पण के सामने खड़े रहकर बोलेंगे मैं बहुत अच्छा हूँ. I have not done anything wrong. मैंने कोई गलत काम नहीं किया. If we say like that, अगर ऐसा कहेंगे, angels
must be laughing at us. स्वर्गदूत हमें देखकर ठट्टा करेंगे. Yeah, that man is thinking he has no problem at all. अरे ये पागल सोच रहा है. इसने कुछ गलत नहीं किया. कोई समस्या नहीं है इसको. But we know everything. स्वर्गदूत बोलेगा हमको मालूम है उसकी हालत. Furthermore, God knows everything. और उससे कई गुना अधिक परमेश्वर स्वयं जानता है. But the moment we realize that we are sinful. जब हम जान जाते कि हम पापी हैं, we come to him again and again. हम बार बार अपने उद्धारकर्ता यीशु मसीह के पास आते हैं. Our Lord Jesus will intercede on our behalf. हमारा प्रभु यीशु मसीह हमारे पक्ष में पिता के पास मध्यस्थी करेगा. You know the advocate? आप सहायक को जानते हो ना? Have you seen an advocate? आपने वकील को देखा है? A lawyer? वकील वकालत करता है. Is there any lawyer in the congregation today? यहाँ कोई वकील है क्या? पढ़ा लिखा? You have to go to the law college. आपको उसके लिए लॉ कॉलेज पढ़ना पड़ेगा. But that is the exact word used in that verse in the first book of John chapter 2. और यूहन्ना की पहली पत्री उसका दूसरा अध्याय पहला पद में बिल्कुल वही शब्द लिखा गया है. See first book of John chapter 2 verse 1. पहला यूहन्ना दो अध्याय का एक पद. My little children, these things write I unto you, that you sin not. If any man sin, we have an advocate with the Father, Jesus Christ the righteous. ए मेरे बालकों, मैं ये बातें तुम्हें इसलिए लिखता हूँ कि तुम पाप न करो, और यदि कोई पाप करे तो पिता के पास हमारा ऐसा सहायक है अर्थात धर्मी यीशु मसीह. Now, dear brothers and sisters, have you gone to a courthouse? प्रिय भाई बहनों, क्या कभी आप किसी न्यायालय में गए हैं? Please put your hand up if you have gone to a courthouse. जितने कोर्ट गए हैं हाथ उठाइए. Don't be afraid. No one will think you are a criminal. Put your hand up. ये डरना नहीं कि कोई ये नहीं बोलेगा कि तुमने कोई गलत काम किया है. हाँ, कोर्ट गए हैं. Yes, very good. Put your hand. Then you know what's going on there. अच्छी बात है. आपको भी मालूम है वो कोर्ट में होता क्या है. Thank you. For those who have not gone, sisters, nobody, I think, lifted only one or two. Only one. Ah, good. Okay. Brothers, some of you have not gone. You must go and see. बहने कहीं नहीं गई है, एक दो गई है, लेकिन भाई लोग भी कुछ लोग नहीं गए हैं. आपको जाकर देखना है. Next opportunity you get, अगला मौका मिल गया कोर्ट जाने के लिए, you go quietly, चुप से जाओ. Don't make any noise there, वहाँ कुछ आवाज नहीं करना. And please sit down, चुपचाप बैठ जाओ. And just watch what is happening, और देखो होता क्या है वहाँ. You will see name of the accused person is called. आप देखेंगे कि उस वहाँ पर जो है मुद्दई का नाम बुलाया जाएगा. He is coming before the judge. वो बेचारा डरते हुए उस न्यायाधीश के सामने आता है. And then the judge will ask a question. फिर न्यायाधीश प्रश्न पूछेगा. Are you guilty or not guilty? तुम दोषी हो या नहीं हो? Because his charge sheet is read out. क्योंकि उसके सारे अपराध की जो लिस्ट है पढ़ी जाती है. Are you guilty or not guilty? तुम दोषी हो या नहीं हो? Then he is now ready to answer. अब वो तैयार है उत्तर देने के लिए. But before he answers, उसके उत्तर देने से पहले, another man in a very black coat will get up. एक और व्यक्ति उठ के आएगा जो काला कपड़ा पहना होगा, काला कोट. He is the advocate. वही है वकील. Now this man criminal had to pay lot of money to him. और ये जो दोषी व्यक्ति है जिस पर दोष लगाया है, so, उसको वकील को बहुत पैसा देना पड़ा है. Before he can answer, the advocate will get up. इससे पहले कि वो दोषी व्यक्ति उत्तर दे, उसका वकील खड़ा कराएगा. He will bow his head to the judge and say, Your Honor, I am appearing for this man. और वो क्या करेगा? उस न्यायाधीश के सामने अपना सिर झुकाकर और कहेगा, स्वामी जी, मैं इस व्यक्ति के पक्ष में उत्तर देने आया हूँ. Is this man guilty or not guilty? That you'll ask. उस न्यायाधीश वकील से पूछेगा, ये व्यक्ति दोषी है या नहीं है? The lawyer will say, not guilty. वो वकील क्या बोलेगा? ये दोषी नहीं है. Oh, look at him. और इसको देखो तो सही. He is a very good man. अच्छा आदमी है. In fact, he is the best man in the village. और वास्तविक कहा जाए तो पूरे गांव में सबसे अच्छा यही है. He has not done anything wrong. उसने कोई गलत काम नहीं किया. But all the people know he is a criminal only. लेकिन लोग तो जानते हैं किसने किया है. But the lawyer is telling. लेकिन वकील क्या कहता? This man is not guilty. ये आदमी दोषी नहीं है. Why is he doing that? क्यों करता है काम? Why is he saying like that? क्यों ऐसा कह रहा है? Because the previous day this man has paid lot of money to the lawyer. उसके पहले दिन ही इस दोषी व्यक्ति ने इस वकील को अपने लिए बोलने के लिए बहुत पैसा दिया. Now it is very special that God
brought into his word that same thought. और कितना अद्भुत है कि परमेश्वर ने वही विचार अपने पवित्र वचन में लाया है. We are guilty. हम परमेश्वर के सामने दोषी हैं. If any man sin. कहता यदि कोई पाप करे तो. No question about it. He has sinned. कोई संदेह नहीं हमने पाप किया है. But still we have an advocate also. परंतु हमारे लिए एक सहायक वकील है. Before the Father. पिता के सामने है. And this advocate we have nothing to pay. और हमने इस वकील को कुछ भी दिया नहीं है. He is appearing on his own behalf. वो अपने आप भी हमारे पक्ष में आ गया है. He is standing up and saying. और खड़े होकर कहता है. This is what he says. ये कहता है. Father. पिता. This man is guilty. ये व्यक्ति दोषी है. He is guilty. दोषी है. He has done sins. उसने तो पाप किया है. But लेकिन I have already paid the penalty. मैंने इसके दोष के लिए पहले ही दाम चुका दिया है. That is the difference between this earthly advocate and heavenly advocate. वही फर्क है इस संसार के वकीलों में और स्वर्गीय वकील परमेश्वर मसीह में. Our heavenly high priest says. Father is guilty, but I have paid the penalty. हमारा स्वर्गीय महायाजक कहता है, हे प्रभु ये दोषी तो है, परंतु मैंने उसके लिए दाम चुकाया है. This is what happens to us as believers. हम विश्वासियों के साथ यही होता है. Every day. हर दिन होता है. When we search our hearts. जब अपने हृदय को जांचते हैं. We confess our sins. अपने पापों को मान लेते हैं. Immediately the Lord Jesus will intercede on our behalf. तुरंत प्रभु यीशु मसीह हमारे पक्ष में पिता से विनती करता है. See how busy he must be. प्रभु यीशु मसीह कितना व्यस्त रहा होगा. Because we are such failures. क्योंकि हम तो इतना गिरे हुए लोग हैं. All the believers. सारे विश्वासी. Every day. हर दिन. We search our hearts. अपने हृदय को जांचते हैं. We confess. मान लेते हैं. Then what happens? फिर क्या होता है? Our Lord Jesus. Our heavenly high priest is interceding on our behalf. हमारा स्वर्गीय महायाजक हमारा वकील होकर हमारे पक्ष में पिता के पास वो विनती करता है. Sacred hands of Jesus, Dev kneel, Dev mart for me. Sacred hands of Jesus, kneeled upon the tree. Ever interceding, mercy is their plea. Their effectual pleading brings grace to me, redeeming grace to me. This is a very beautiful chorus that we used to sing again and again those days. हम पुराने दिनों में भाई लोग इस गीत को इस कोरस को बहुत गाते थे. Ever interceding. हमेशा विनती करता है. On behalf of us. हमारे पक्ष में. Now we as Christians we are very foolish. हम मसीह लोग मूर्ख हैं. We are very selfish also. हम बड़े स्वार्थी हैं. We simply say, Lord Jesus died for me. हम केवल इतना कहते हैं, यीशु मसीह मेरे लिए मारा गया. Now everything is over. अभी सब कुछ समाप्त हो गया. He paid the penalty of my sin. उसने मेरे पाप का दंड भर दिया. He went to heaven. स्वर्ग गया. He is coming again. और लौट के आएगा. I am waiting for him to come. मैं उसके आने के लिए बात जो रहा हूँ. That's about all. ये हो गया खत्म. What is happening now? We are not appreciating. जो अभी हो रहा है हम उसको बिल्कुल महत्व नहीं दे रहे. Throughout the scriptures, especially the book of Hebrews, teaching us that he is our heavenly high priest. पूरे वचन में हम बात को देखते हैं, विशेषता करके इब्रानियों की पत्री में सिखाया जाता है कि प्रभु यीशु मसीह हमारा स्वर्गीय महायाजक है. And the first John chapter 2 tells us he is interceding, he is appearing before the Father. पहला यूहन्ना 2:1 में पढ़ते हैं कि हमारे लिए मध्यस्थी करने के लिए सहायक होकर पिता के सन्मुख आता है. So we have a heavenly high priest. हमारा स्वर्गीय महायाजक है. We have a heavenly savior. स्वर्गीय उद्धार करता है हमारा. Heavenly calling. हमारा स्वर्गीय बुलावा है. Heavenly seat also. We are sitting with him. हमारा स्वर्गीय बैठक है. Yes, we have a heavenly high priest. हमारा सचमुच स्वर्गीय महायाजक है. Bible says we have a heavenly citizenship. पहले बताते हैं हमारा स्वर्गीय निराश है. Yes. Philippians chapter 3 verse 20. फिलिपियों की पत्री उसका 3:20 पर. Philippians 3:20 for our conversation of citizenship
He is in heaven, from whence also we look for the Savior, the Lord Jesus Christ. फिलिपियों के बीच में कहता है, पर हमारा स्वदेश स्वर्ग पर है और हमें उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह को वहां से आने की बात जो रहे हैं. The word conversation is also translated as the citizenship. यहां पर जो हमारा स्वदेश लिखा गया है. So, where is your citizenship? स्वदेश कहां है हमारा? Nowadays there is a thing called dual citizenship. आज के समय में देखते हैं दोहरा स्वदेशी पर मिलता है हमको. First we leave this country and go to a better country. पहले हम इस देश को छोड़कर दूसरे बड़े देश में जाते हैं. We have better money there. वहाँ ज़्यादा पैसा मिलता है. Better facilities. ज़्यादा सहूलत मिलती है. Better life standards. अच्छे जीवन की शैली मिलती है. So we go there. इसलिए वहाँ जाते हैं. We leave everything and go. यहाँ छोड़कर गए. And then after some time. थोड़े समय के बाद. We begin to feel homesick. हमें घर की याद आती है. My country is better. अरे मेरा देश तो अच्छा था. After couple of years, कुछ सालों के बाद में, they are slowly coming back. फिर लौट के आना चाहते हैं. They fill application form. फिर वापस वही लोग उसका दरखास्त देते हैं. They please give me citizenship again. मुझे वापस अपने देश के लिए स्वदेशी के पत्र दीजिए. And the government of India will give it, okay? और भारत की सरकार दे देता है. They will charge some money. पैसा लेते हैं. And give the citizenship. और उनको स्वदेशी पत्र देते हैं. Now he has two citizenship. अब दोहरा स्वदेश हो गया. There are many people who are having dual citizenship. Some of you also might have. आप में भी कुछ लोगों के पास होगा. कई लोग ऐसे हैं जिनके पास दो देश की स्वदेश है. They have all the rights of this country and all the rights of the other country also. उनको इस देश में भी सारे अधिकार हैं और दूसरे देश के भी सारे अधिकार हैं. And God says that we are like that. और परमेश्वर कहता है हमारा जीवन वैसा ही है. We are people of two citizenships. हम भी दो स्वदेश पर रखे वाले लोग हैं. We have the earthly, but we have also heavenly. पृथ्वी का स्वदेश तो है हमारा, लेकिन स्वर्ग में हमारा स्वदेश भी है. You know the good thing about the dual citizenship? दो स्वदेश होने का लाभ पता है आपको? Anytime you can go without any prior notice. Anytime you can go. आपका अगर कहीं भी स्वदेश है तो आप बिना वीसा के, बिना कोई समस्या के सीधा वहां जा सकते हैं. So we have heavenly citizenship. हमारे पास स्वर्ग का स्वदेश है. Anytime we can go. कभी भी हम स्वर्ग जा सकते हैं. Be ready. तैयार रहो. Anytime you will be going to heaven. कभी भी आपको बुलाएगा जाना पड़ेगा. You don't have to make an application before, ask for visa and go give all the documents. अर्जी देने की, वीजा मांगने की, इंटरव्यू करने की कोई जरूरत नहीं है. Anytime you can go to heaven. कभी भी आप स्वर्ग जाने के लिए तैयार रहना. Because your name is written in the Lamb's book of life. क्योंकि आपका नाम मेमने के जीवन के पुस्तक में स्वर्ग में लिखा गया है. Live like such people. हमें ऐसे लोगों के समान जीना है जिनका स्वदेश स्वर्ग पर है. Who are having a heavenly citizenship. जिनका स्वर्गीय स्वदेश है. We have also heavenly scriptures. हमारे पास स्वर्गीय शास्त्र है. The scriptures have come from heaven. शास्त्र जो है स्वर्ग से आया है. Yeah, they have come from God. ये परमेश्वर के पास से आया है. We are told that all scripture is given by the inspiration of God. हमें कहा गया कि हर एक वचन परमेश्वर का जो है उसकी आत्मा की प्रेरणा से आया है. The full Bible. पूरा बाइबल शास्त्र. From the book of Genesis to Revelation 22, we have every word inspired by God. उत्पत्ति की पुस्तक पहला अध्याय से लेकर प्रकाशित वाक्य के 22 अध्याय तक हर एक वचन परमेश्वर की प्रेरणा से आया है. So 2 Timothy 3:16 says, all scripture is God breathed. Given by the inspiration of God. दूसरा तिमोथी उसका 2:16 में कहता है कि सारा वचन जो है परमेश्वर का दिया हुआ है. That means they are given by God. परमेश्वर के द्वारा दिया गया है. But God allowed people to write it according to their experience. परमेश्वर ने लोगों को उनके अनुभव के द्वारा लिखने की अनुमति दी. God did not always say, okay, you sit down, you exactly write now what I say. It's called dictation. It was not like that most of the time. परमेश्वर ने ऐसा नहीं किया. लोगों को बिठाया, बोला अब मैं बोलता हूँ, तुम लिखो. ऐसा नहीं किया. But God inspired every word and saw to that
there is no mistake. जैसा लिखा है कि तीन का स्वाला दूसरा तीमुत इसमें परमेश्वर ने उनको हर एक वचन लिखने के लिए प्रेरणा देता गया और उन्होंने बिना कोई गलती किए प्रेरणा से लिखा है. In the Bible also says. और बाइबल बताती है. Psalm 119 verse 89. भजन संहिता 119 का 89. Forever, O Lord, Thy word is settled in heaven. हे यहोवा तेरा वचन स्वर्ग में सदा तक स्थिर है. Psalm 119:89. भजन 119 का 89. So that is we have heavenly scriptures. हमारा स्वर्गीय शास्त्र है. When you go to heaven also, you can see the word of God. स्वर्ग जाएंगे तो वहां पर हमें यही परमेश्वर का वचन मिलेगा. It is forever settled in heaven. जो कि यह हमेशा के लिए सदा के लिए स्वर्ग में स्थिर हो चुका है. Yes, today we have this new technological thing, so we can understand spiritual matters easily. आज हमारे पास आधुनिक तकनीकियां हैं, इसलिए आत्मिक बातों को हम बड़े आसानी से समझ सकते हैं. प्रियो, now all our data we have in our computers, we can put into the cloud. हमारे पास जितना भी कंप्यूटर में हमारे डाटा होता है वो सब कुछ हम क्या कर सकते हैं, क्लाउड बोल के बादल में डाल के रख सकते हैं. I don't know why they call it a cloud. Actually, it's not in a cloud, but you see? वास्तव में उसको बादल या क्लाउड क्यों कहते हैं पता नहीं, लेकिन वो बादल में कहीं नहीं है, क्लाउड में नहीं है वो. So one is called iCloud. एक और का नाम है आईफोन का जो होता है iCloud बोलते हैं. You upload all the data to iCloud, you can see it later. और अपना सारा डाटा, अपना पिक्चर वीडियो जो कुछ है iCloud में डाल दो, दुनिया में कहीं से भी देख सकते हैं. Now it's a good thought. विचार अच्छा है. Because we must know that all the records are in heaven also. हमें जानना है कि जो कुछ पृथ्वी पर हो रहा है सब कुछ स्वर्ग में दर्ज है. But one important thing in heaven is the word of God. लेकिन स्वर्ग में बहुत महत्वपूर्ण बात यह है, ये परमेश्वर का वचन वहाँ है. Heavenly Savior. स्वर्गीय उद्धारकर्ता. We have heavenly seat. स्वर्गीय स्थान है हमारा. Heavenly High Priest. स्वर्गीय महायाजक है. Heavenly citizenship. स्वर्गीय स्वदेश है. Yes, we have heavenly scriptures also. हमारे लिए स्वर्गीय शास्त्र दिया गया है. So that means, dear brothers and sisters, we need to lead that separated life unto God. इसीलिए प्रिय भाइयों बहनों, हमें परमेश्वर के लिए अलग किया गया जीवन व्यतीत करना है. What did God do on the second day? दूसरे दिन में परमेश्वर ने क्या किया? He created a firmament. उसने आकाश को बनाया. And put some water above the firmament, other water below the firmament. उस जल को उस आकाश से ऊपर रखा, उस जल को आकाश से नीचे रखा. So the same water is now separated. एक ही जल था लेकिन ऊपर नीचे करके उसको अलग किया. As people who are with a heavenly calling today, we are separated from other people who are in this world. आज स्वर्गीय बुलाहट पाकर हम प्रवेश मसीह में हम अलग किए गए हैं इस संसारिक लोगों से. And God expects us to lead that separated life. और परमेश्वर हमसे ऐसे अलगाव का जीवन जीने के लिए आशा रखता है. We are in the world, the Lord Jesus said, but not of the world. परमेश्वर जी कहते हैं कि हम संसार में हैं, परंतु संसार के नहीं हैं. What is the meaning of being of the world? संसार के होने का मतलब क्या है? That is without the knowledge of God. परमेश्वर के ज्ञान से रहित. Without the knowledge of the true and the living God. सच्चे और जीवते परमेश्वर का ज्ञान नहीं है. God of this world has blinded their eyes. संसार के देवता ने उनकी आंखों को अंधा कर दिया. Who is the God of this world? The devil. ये संसार का देवता कौन है? शैतान. He has blinded the eyes. उसने लोगों की आंखों को अंधा कर दिया. So the people in the world have no fear of God. और इसीलिए संसार के लोगों में उनके दृष्टि में परमेश्वर का भय नहीं है. They do not give the first place to God. वे परमेश्वर को प्रथम स्थान नहीं देते. But we are different. हम अलग हैं. We have to give the first place to God. हमें
हमें पहला स्थान परमेश्वर को देना है सेकंड प्लेस आल्सो टू गॉड दूसरा स्थान भी परमेश्वर को देना है थर्ड प्लेस आल्सो टू गॉड तीसरा स्थान भी परमेश्वर को देना है ऑल द प्लेसेस गॉन टू गॉड वी हैव नो प्लेस हमारे जीवन का सारा स्थान परमेश्वर को दिया हमारे लिए कोई स्थान नहीं दैट इज द मीनिंग ऑफ बीइंग अ क्रिश्चियन यही है मसीह होने का अर्थ फर्स्ट प्लेस टू गॉड पहला स्थान परमेश्वर को बट योर नेबर योर फ्रेंड्स हु आर नॉट बोर्न अगेन आपके मित्र भाई बहन या पड़ोसी जो उद्धार नहीं पाए हैं they do not give any place to God. वो परमेश्वर को कोई स्थान नहीं देते अपने जीवन में If they ever talk about God, अगर कहीं परमेश्वर के बारे में बात करें तो they are thinking in terms of some blessing from God. वो लोग कहीं ना कोई आशीष पाने के विचार से बोलते हैं they might come to you and say, वो आपके पास आकर कहेंगे प्लीज प्रे टू योर गॉड एंड हेल्प मी टू गेट दिस अरे तुम्हारे परमेश्वर से प्रार्थना करके मेरे लिए काम करवा देना और दे हैव सम सिकनेस या कोई बीमारी है प्लीज प्रे टू गॉड एंड गेट मी हील अरे प्रार्थना करो ना मुझे चंगाई मिल जाए दैट्स ऑल दे विल थिंक उतना ही सोचते हैं सम बेनिफिट थ्रू गॉड फ्रॉम परमेश्वर से कुछ लाभ पाने की चेष्टा We are not like that. हम वैसे नहीं हैं। Our life is the Lord Jesus. हमारा जीवन ही प्रभु यीशु मसीह है। In every matter we consult Him. हर एक बात में हम उससे पूछते हैं। In everything we kneel down and ask Him what to do. हर बात में हम घुटना टेक कर उससे पूछते हैं प्रभु क्या करूं? This is the meaning of being a heavenly person. स्वर्गीय व्यक्ति बनने का मतलब यही है। A separated person. अलग किया हुआ व्यक्ति है। Separated. From the world. संसार से अलग किया गया है So the Bible speaks to us of this very important principle called separation. बाइबल पवित्र शास्त्र एक बहुत ही प्रमुख सिद्धांत नियम अलगाव का सिखाती है हमको Romans chapter 12, please. रोमियों की पत्री 12 अध्याय कृपया Romans chapter 12, रोमी 12 का verse 2. दो पद प्रियो And be not conformed to this world. कहता है संसार के सदृश न बनो. Now this is separation. इसको अलगाव कहते हैं. Do not be conformed to the world. इस संसार के सदृश नहीं जाना. Don't look like the other people who are in the world. जो लोग संसार में उनके तरह दिखने की चेष्टा मत करो. This is not necessarily our dress. ये केवल हमारा वस्त्र ही नहीं है हम बाल कैसे बनाते हैं That is not the exact meaning. उसका पूरा अर्थ वो नहीं है In our attitude, हमारे विचारधारा में Are we giving the first place to God? क्या हम परमेश्वर को पहला स्थान देते हैं क्या Then our lifestyle will change. तब हमारे जीवन की शैली बदल जाएगी Those who are not believers, जो विश्वासी नहीं है In their mind and attitude, और उनके मन का विचार they will not give any place to God. वे परमेश्वर को कोई स्थान नहीं देंगे अपने मन में Only they will want to use God for some of their benefits. वे अपने लाभ के लिए परमेश्वर का उपयोग करना चाहते हैं Do not be like that. उनके समान मत बनो Are we like that? क्या हम आज वैसे हैं Only when we have some great need, we come running to God. जब बहुत बड़ी मुसीबत आ गई तब प्रभु के पास भाग के आते हैं Then in that way, God cannot work in our hearts deeply. अगर ऐसा होगा तो हमारे हृदय में परमेश्वर गहराई से काम नहीं करेगा We have some problem. अगर कोई समस्या है We come to God. हम प्रभु के पास आते हैं And we come to church also. कलीसिया में आते हैं And we come and ask for prayer. और आके कहेंगे हमारे लिए प्रार्थना करो प्रार्थना की विनती देंगे We say, okay, I will do anything. हाँ मैं कुछ भी करूंगा I will even attend the youth camp. मैं यूथ कैंप में भी आऊंगा Yes, I will go any far distance. मैं कितनी भी दूर चलने के लिए तैयार हूँ पवित्र मां सभा के लिए जाऊंगा I will serve. मैं सेवा करूंगा I will work in the kitchen. किचन में काम करूंगा All the time in the back of the mind, लेकिन दिमाग के पीछे हमेशा सोचते रहेंगे मैं ये काम करूंगा तब प्रभु मेरी वो जरूरत पूरी करेगा Yes, yes. Some parents are sending their children to youth camp thinking Because they go and suffer for 7 days there without proper food and proper place to sleep, then they will get university entrance. कई माता-पिता क्या करते हैं? अपने जवान बच्चों को यूथ कैंप में भेजते हैं भैया जाएंगे हमारे बच्चे यूथ कैंप में थोड़ा काम करेंगे कष्ट उठाएंगे दुख सहेंगे तो परमेश्वर उनको क्या करेगा यूनिवर्सिटी में महाविद्यालय में अच्छे नंबर देगा yeah, they say, go, go, go and attend the youth camp. You will get blessing.
जाओ युद्ध कैंप में जाओ और आशीष पा के आओ. They think that they are talking about all outside physical blessing. वे केवल बाहरी तौर से शारीरिक आशीष के बारे में सोचते हैं. That is worldly thought. इसको कहते हैं सांसारिक विचार. It is that God is giving us spiritual blessing. लेकिन हमारा परमेश्वर हमें आत्मिक आशीष देता है. Oh God will look after us. वो हमारी देखरेख करेगा. He will provide for us. हमारी आवश्यकताओं को पूरी करेगा. Young people, I can see couple of them. If you want to pass exam, you have to study. हाँ जवान बच्चे यहाँ बहुत बैठे हैं, आपको बता देता हूँ, अगर परीक्षा में पास होना है तो पढ़ना जरूर है. You have to sit and study. बैठ के कई घंटों पढ़ना है. That is how you are going to pass your exam. उसी तरह आप पास होंगे एग्जाम में. But then the Lord will help you during the exam also. लेकिन प्रभु आपकी पढ़ाई में परीक्षा में आपके संग रहकर सहायता करेगा. He will bring to mind all what you have studied. आपने जो कुछ पढ़ा है उसको याद रखने में प्रभु आपकी मदद करेगा. But by doing penance, they are called penance, you are doing very difficult things, you will not get any blessing at all. लेकिन ये मत सोचना कि बड़ा भक्ति करने से मुझे नंबर मिल जाएंगे. नहीं मिलेगा. That is how the people in the world, they are thinking like that. ये संसार के लोग सोचते हैं कि भक्ति करने से उनको परीक्षा में अंक मिलेंगे. So do not be conformed to the world. कहता है संसार के सदृश्य नहीं बनना. Be ye transformed by the renewing of your mind. हमें अपने मन के नए हो जाने से रूपांतर होना है. So we are separated people. हम अलग किए गए लोग हैं. So do not be conformed to the world. इसीलिए संसार के सदृश्य नहीं बनना. In first book of John chapter 2. पहला ये ना दूसरा अध्याय वापस. In verse 15. 15 पर. Love not the world, neither the things that are in the world. कहता है तुम ना तो संसार से और ना संसार की वस्तुओं से प्रेम रखो. So love not the world. कहता है संसार से प्रेम नहीं रखना. It is very difficult not to love the world. संसार से प्रेम न करना तो बहुत कठिन है. But we must understand this love, this world is passing away. परंतु हमें जानना है ये संसार बीत जा रहा है, नष्ट हो जाएगा. Only a few more years, maybe a few more months, and then we will be in heaven. हमें पता नहीं, शायद कुछ साल, कुछ महीने, कुछ दिन में ही हम स्वर्ग में चले जाएंगे. By loving this world and the things that are here, we will gain nothing eternally. हम इस संसार में और संसार की वस्तुओं में जो है प्रेम करने से अनंत काल की कोई लाभ नहीं मिलेगा. The things that God gives you, जो बातें परमेश्वर आपको देता है, you must use for yourself, अपने लिए उपयोग करो. You must use for others, दूसरों की सहायता के लिए उपयोग करो. You must use it God's service, प्रभु की सेवकाई के लिए अपने बातों को उपयोग करो. Whatever God may give you, जो कुछ परमेश्वर आपको आशीष देगा. That is how we must look at things of this world. इस संसार की बातों को उस दृष्टिकोण से देखना है. Love not this world, and then it is explained. Neither the things that are in the world. कहता है ना तो संसार से और ना संसार की वस्तुओं से प्रेम करो. So we are separated heavenly people. हम अलग किए हुए स्वर्गीय लोग हैं. James chapter 4 verse 4. आई याकूब की पुस्तक उसका 4:4. James chapter 4 verse 4. You adulterers and adulteresses, know ye not that the friendship of the world is enmity with God? Whosoever therefore will be a friend of the world is the enemy of God. याकूब की पत्री उसका 4:4 कहता है, हे विचारणियों, क्या तुम नहीं जानती कि संसार से मित्रता करने परमेश्वर से बैर है, अथवा जो संसार का मित्र होना चाहता है वह अपने आप को परमेश्वर का बैरी बनाता है. So if we desire to be a friend of this world, we become an enemy of God. अगर हम इस संसार का मित्र बनना चाहेंगे, हम परमेश्वर के बैरी हो जाएंगे. How you can become a friend of the world? हम संसार के मित्र कैसे बनेंगे? That you agree with everything the world says. जो कुछ संसार सिखाता है उसके साथ में तुम हाँ कर देते हो. You laugh at every joke that others are cracking. तुम्हारे मित्र जो ठट्टा उड़ाते हैं उन सारे ठट्टा की बातों में खूब हंसते हो. Whatever your friends are saying, you say right, right. Okay. आपके मित्र जो कुछ कहते हैं उसमें हाँ 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 बोल के जाते हो. Because you are not willing to hurt their feelings. क्योंकि आप नहीं चाहते कि उनके मन को कहीं ठेस लग जाए. You think when you are among your friends, you must be like them. तुम सोचते हो कि जब मित्रों के साथ है तो मित्रों जैसा रहना है. Then you forget
the testimony of the Lord Jesus. आप तो प्रभु यीशु मसीह की गवाही को भूल जाते हो. You become a friend of the world. तुम संसार के मित्र हो जाते हो. And then God says, "You are my enemy." और वो कहता है ऐसे लोग मेरे बैरी हो जाते हैं. It's a very serious thing. बहुत गंभीर बात है. God says, "Anyone who is a friend, who is not willing to hurt anybody's feeling, say everything yes to everything, and laugh when they laugh, cry when they cry, then God says." You are my enemy. याद रखिएगा जो कोई अपने आप को संसार से अलग नहीं करता जो कुछ संसार कहता है उसमें हामी भर रहता है वहां संसार के साथ हंसता है संसार के साथ रोता है वो कहता है ऐसा व्यक्ति मेरा नहीं मेरा बैरी है वो. God wants us to be separated people. प्रभु चाहता है कि हम अलग किए गए लोग बन जाएं. That is the second principle that we see in the story of creation. हम सृष्टि में दूसरा आत्मिक नियम जो है यही देखते हैं. That water is separated from water. जल को जल से अलग किया. Likewise, we are separated from the other people. वैसे ही हम भी संसार के लोगों से अलग किए गए हैं. But we must know the Bible principle, biblical principle. Separation is not isolation. हमें इस बाइबल का नियम जानना है कि अलगाव का मतलब ये नहीं कि एकांत में चले जाओ. We are in the world. हम संसार में हैं. We go by bus with all the other people. हम बस में सभी लोगों के साथ यात्रा करते हैं. We work at office with all the other people. हम अपने कार्य क्षेत्र में सभी लोगों के साथ काम करते हैं. Though we are among them, we have a separated lifestyle. हम संसार के लोगों के मध्य में हैं परंतु हमारी जीवन शैली अलग है. So let us be clear about this principle. इस नियम के बारे में हम बड़े ध्यान से समझ लें. Hold on to that principle. उसको धरे रहें. And be the heavenly water. और हम ऊपर का स्वर्गीय जल के समान जीवन बिताएं. What is the heavenly water doing? ये स्वर्गीय जल क्या करता है? It brings blessing upon the earth, right? वो पृथ्वी पर आशीष लेकर आता है. When the rain comes down, जब वर्षा आती है, there is enough water here. यहाँ पर लोगों को पर्याप्त पानी मिलता है. See all the places, all green. हर तरफ हरियाली रहती है. Growing. सब पेड़ पौधे बढ़ते हैं. There are some areas in this world, even in this country, there is no rain. आज भी इस संसार में कुछ ऐसी जगह है हमारे देश में भी ऐसी जगह है जहाँ 12 महीने में कभी बारिश ही नहीं होती. All dirty and dusty. सब गंदगी है और सब तरफ धूल ही धूल है. There is no life. वहाँ जीवन जीना असंभव है. See the message. संदेश को देखिए. The heavenly water will come down to the earth with blessing. ये स्वर्ग की जल जो है पृथ्वी पर जब बरसता है आशीष लेकर बरसता है. Only if you remain as heavenly water separated. जब आप अलग होकर स्वर्गीय जल बनकर जीवन बिताओगे. God will make you a blessing. परमेश्वर आपको दूसरों के लिए आशीष का कारण बनाएगा. Don't say, no, I will become like earthly water only, like any other person. ये मत कहना कि मैं पृथ्वी के जल के समान दूसरे लोगों के समान ही चलता रहूंगा कोई दिक्कत नहीं. Then you cannot be a blessing. आप आशीष का कारण नहीं बनोगे. To be a blessing, you must be a separated person. दूसरों के लिए आशीष बनना है तो अलगाव का जीवन जीना है. People must see the difference. लोगों को आपके अंदर जो है अंतर दिखना है. Then only they will come at that time of their need, they will come to you. और तभी वे अपनी आवश्यकता के अनुसार आपके निकट आएंगे. Then only you can preach the gospel to them. तभी आप उनको सुसमाचार सुना पाओगे. Otherwise, they will think we are also the same like them. नहीं तो फिर वो सोचेंगे हम भी उनके समान ही पाप में हैं. There are enough Christians in this world. इस संसार में पर्याप्त मसीह लोग हैं. But the world is not impacted. लेकिन संसार पर उसका कोई प्रभाव नहीं हो रहा है. There are so many people who go to church in this world every Sunday. इस संसार में हर रविवार को चर्च में कलीसिया में जाने वाले लाखों करोड़ों लोग हैं. So many are having Christian names. और बहुतों के मसीही नाम हैं. There are Christian countries. They call them Christian countries. कई ऐसे देश हैं जिनको मसीही देश करके बुलाया गया है. But the world is not impacted. लेकिन उनके द्वारा संसार पर कोई प्रभाव नहीं आया. Why is that? क्यों? They are not leading that separated life. क्योंकि वे अलगाव का जीवन नहीं जी रहे हैं. If you lead a separated life, यदि आप अलगाव का जीवन जियोगे तो then you can bring the blessing down to the others. सभी और दूसरों के लिए आशीष का कारण बनकर आओगे. That is the message of the book.
book of Genesis chapter 1. उत्पत्ति की पुस्तक पहला अध्याय का यही आशीष का संदेश है. The message of the second day. दूसरे दिन का संदेश. What do you find on the third day? तीसरे दिन में हम क्या देखते हैं? Have you read now and do you know what God did on the third day? आपने पढ़ा है क्या? आप जानते हैं तीसरे दिन परमेश्वर ने क्या बनाया? We have from verse 9. 9 पद से हम पढ़ते हैं. God gathered all the waters together. परमेश्वर ने आकाश के नीचे का जल एक स्थान में इकट्ठा किया. And then also the dry land appeared. सूखी भूमि दिखाई दी. And then God called the dry land earth. परमेश्वर ने सूखी भूमि को पृथ्वी कहा. And the gathering of water he called the sea. और जो जल इकट्ठा किया था उसको समुद्र कहा. And then see what he did it verse 11. फिर 11 में देखिए क्या किया. We'll read together. सब मिलकर पढ़ेंगे. And God फिर परमेश्वर ने कहा, let the earth bring forth grass. बीच पर से हरी घास तथा बीच वाले छोटे छोटे पेड़ फलदायी वृक्ष भी जिनके बीज बुनाई में है एक एक की जाति के अनुसार पृथ्वी में उगे और वैसा ही हो गया. God created the plant life. परमेश्वर ने वनस्पति का निर्माण किया. That is what God did on the third. तीसरे दिन परमेश्वर ने पेड़ पौधों को बनाया. All these trees and plants that we are seeing today. आज हमारे चारों तरफ जितने पेड़ पौधे हरियाली दिखती है ना, God created them. इन सबको परमेश्वर ने बनाया है. One by one. एक एक करके बनाया है. Different kinds of trees. भिन्न भिन्न प्रकार के. Now you please, you can now go in this city or in this area with a notebook and write all the different kinds of trees that you are finding. आप इस स्थान में चारों तरफ क्या करना, एक किताब लेकर पेन लेकर घूमना. कितने प्रकार के पेड़ पौधे आपको दिखते हैं उनका नाम लिख के लाओ. Those who have counted, they say there are thousands of variety of trees. जिन्होंने सचमुच गिनने की कोशिश की वो कहते हैं लाखों प्रकार के जाति के पेड़ हैं. This is a very scientific statement. ये बहुत ही वैज्ञानिक कथन है. Those who have gone to secondary school, जो लोग ऊंची पढ़ाई किए हैं, they will have studied about botany, about trees. जो लोग उच्च विद्यालय में पढ़ाई किए हैं उन्होंने पेड़ शास्त्र या वनस्पति के बारे में उन्होंने विद्या पाई है. There is a very important scientific truth God has put here into this very first chapter. यहाँ पर इसी अध्याय में परमेश्वर ने बहुत ही वैज्ञानिक सच्चाई को रखा है. Can you see in verse 11 after his kind? कहता है अपने अपने जाति के अनुसार. Verse 12 also has that. 12 में भी वही लिखता है. Herb yielding seed after his kind. Seed was itself after his kind. कहता है अपने अपने जाति के अनुसार एक एक जाति के अनुसार उसमें बीज होता है. God knew after 4000 years after creation man will come up with some funny idea. परमेश्वर जानता था 4000 साल बाद सृष्टि के मनुष्य कुछ मूर्खता के योजना लेकर आएगा. आइडिया दैट यू कैन लाफ अबाउट. और ऐसे आइडिया लेकर आएगा जिसको सुनेंगे तो हंसी आ जाएगी. बट गॉड न्यू दैट दे विल बिलीव दैट आइडिया. और परमेश्वर जानता था कि लोग ऐसे विचारों को लाएंगे और उस पर विश्वास भी करेंगे. गॉड न्यू दैट वी विल बिलीव वन डे द मैंगो ट्री little by little change over millions of years and became an apple tree. परमेश्वर जानता है कि मनुष्य क्या करेगा, इस विचार को लेके आएगा कि आम का पेड़ धीरे 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 बदलते हुए कई हजारों सालों के बाद में जो सेब का पेड़ बन गया. I can see that the plant and tree, they are banana tree. वहां दिखता है मुझे केले का पेड़ है. Banana tree thought, I must one day become like the coconut tree. बनाना केले के पेड़ ने सोचा एक दिन में धीरे धीरे बदलते बदलते मैं नारियल का पेड़ बन जाऊंगा. So the banana tree waited million years. और कई हजारों साल लाखों साल तक केले का पेड़ बाट जो रहा है. Little by little banana tree became like a coconut tree. हाँ धीरे 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 केले का पेड़ जो है नारियल का पेड़ बन जाएगा. Those little bananas became like a big coconut. छोटे छोटे केले आते थे अब बड़े बड़े नारियल बन गए. But it took a long time. लेकिन बहुत लंबा समय लगेगा. How many years? कितने साल? Millions of years. कई मिलियन साल लग गए. Yes. Then the coconut tree thought. फिर नारियल के पेड़ ने सोचा.
I am too big. मैं बहुत बड़ा हो गया। I must become like the banana tree. मुझे छोटा होकर केले का पेड़ बन जाना। He's waited for millions of years. अब केले को नारियल का पेड़ भी कई लाखों साल बाट जो रहा है। बाट जो रहा है। Gave a banana tree. और केले का पेड़ बनने के लिए। So we don't know which one is which now. अब ये नहीं पता है कि केले का पेड़ नारियल का पेड़ बना या नारियल का पेड़ केले का पेड़ बना, नहीं मालूम। God knew that we will after 4,000 years. Think of some foolish thing like that. परमेश्वर उत्पत्ति की पुस्तक से ही उत्पत्ति से जानता था मनुष्य 4,000 साल बाद भी मूर्खता के विचार लाएगा. Not only we will think like that foolishly, but we will also say it is science. और मूर्खता के साथ विचार करेंगे इतना ही नहीं और बोलेंगे कि ये विज्ञान है. No evidence. इसका कोई हमारे पास सबूत नहीं है. But still we will think, no, no, that is how it happened. हाँ, फिर भी बच्चे सोचते हाँ ऐसा ही हुआ होगा. Because God knew about it. क्योंकि परमेश्वर जानता था इसके बारे में. He put that word after his kind. यहाँ लिखता है अपनी अपनी जाति के अनुसार. Always it will any plant or any animal will stay within the family. हाँ, कोई भी पेड़ हो, कोई भी पौधा हो, कोई भी जीव जंतु हो, वो अपनी जाति में ही रहेगा. Even after thousand years, चाहे हजारों साल क्यों न हो जाए. You will say it is within that family only. वो अपनी जाति के बीच में है, अपनी जाति ही रहेगी. Within the family there can be changes. वो अपनी जाति में थोड़ा बहुत अंतर रहेगा. But it cannot cross the border. लेकिन वो अपनी जिस जाति का बीज है वो जाति से पार होकर नहीं जा सकता. Those who have studied botany and zoology will know these families that they have categories of plants and animals. जिन्होंने बॉटनी जूलॉजी इन पढ़ाई को की है विद्या उन्हें वे जानते हैं कौन कौन सी जातियां हैं पेड़ों के, कौन कौन सी जातियां हैं प्राणियों के. They will stay within the family. वे अपनी जातियों में रहेंगी. They cannot cross the boundary and become another thing. वे अपनी जाति से पार होकर दूसरी जाति में परिवर्तित नहीं हो सकती. So God has put it in writing. परमेश्वर ने उसको क्या किया? दर्ज करके रखा है. And he repeated it again and again in chapter one. After his kind, after his kind, after his kind. बार-बार उस बात को प्रभु ने क्या किया? दोबारा दोहरा के कहा है, अपनी अपनी जाति के अनुसार, अपनी अपनी जाति के अनुसार कहता है. But man would want to लेकिन मनुष्य इस वचन को अनदेखा करता है. Man, because he wants to run away from God, इसलिए कि मनुष्य परमेश्वर से दूर भाग जाना चाहता है. He will come up with ideas and thoughts and theories which are not true. वो ऐसे विचार, ऐसी जो बातें लेकर आएगा, जो परमेश्वर के विरोध में है और सच्ची भी नहीं है. That after his kind is mentioned later also when he created the animals. अपनी अपनी जातियों के अनुसार ये शब्द जो है जंतुओं को बनाते वक्त भी लिखा गया है. The fish and the fowls also. और मछलियों के बारे में और पक्षियों के बारे में भी लिखा है कि अपनी अपनी जाति के अनुसार. So that is something that we must all know that it has to stay within the family. ये बात को हमें बड़ी अच्छी तरह से जानना है कि चाहे पेड़ हो, पक्षी हो, जंतु हो या मछली हो, वो अपनी जाति में रहेगी. That is a good thing for the science students. ये विज्ञान के विद्यार्थियों के लिए एक अच्छी बात है. But here, what is the spiritual thought here? यहाँ पर आत्मिक विचार क्या है? You can see that God created tree and the fruit tree yielding fruit after his kind. यहाँ क्या लिखता है उसने? पेड़ तो बनाए बीज वाले, घास पर बीज वाले पेड़, फलदायी वृक्ष बनाए. Third day speaks to us about fruit bearing. और तीसरा दिन जो हमें फलदायी जीवन के बारे में सिखाता है. Even in verse 12 you find yielding fruit. और 12 पद में भी लिखता है कि फलदायी वृक्ष है. The mango tree God created to give us mangoes. परमेश्वर ने आम का पेड़ इसलिए बनाया कि हमको आम दे. So it is fruit bearing that God is talking to us about. परमेश्वर आज हमसे फलवंत जीवन के बारे में बात करता है. When we plant something, we are waiting for the fruit. जब हम कोई पेड़ लगाते हैं तो उसके फल के लिए हम बाट होते हैं. This is something that God planned for you and for me. ये आपके लिए, मेरे लिए परमेश्वर ने योजना बनाई. A life that is fruitful. एक फलवंत जीवन की योजना. A life where we are able to bear fruit.
fruit. एक ऐसा जीवन जहाँ हम फल दे पाएंगे. In John chapter 15 verse 16, the Lord Jesus said. योहन्ना सुसमाचार 15 अध्याय के 16 पद में प्रभु यीशु मसीह कहते हैं. You have not chosen me, but I have chosen you and ordained you that you may go and bring forth fruit, and your fruit should remain. तुमने मुझे नहीं चुना परंतु मैंने तुम्हें चुना है और नियुक्त किया है ताकि तुम जाओ और फल लाओ और तुम्हारा फल बना रहे. When did the Lord Jesus say that? कब कहा परमेश्वर से ये बात? Just a few hours before he went to the cross. अपने क्रूस पर चढ़ाए जाने के कुछ समय पहले. Now already Peter and the other disciples had followed the Lord Jesus for over 3 years, even about 3.5 years. अब भी पत्रस और दूसरे चेले जितने थे, उसमें से कई लोग 3.5 साल तक प्रभु यीशु मसीह के पीछे चल रहे थे. Last night the Lord Jesus is saying. आखिरी रात को अब क्रूस पर जाने से पहले प्रभु यीशु मसीह कहता है. Peter, you did not choose me. पत्रस, तुमने मुझे नहीं चुना. I chose you. मैंने तुम्हें चुना है. I chose you and ordained you. मैंने तुम्हें चुना है और तुम्हें नियुक्त किया है. But Peter was thinking all this time that he chose the Lord Jesus. लेकिन पत्रस तो इस भ्रम में था कि उसने प्रभु यीशु मसीह को चुना है. Can you remember in the seashore? आप देख सकते हैं समुद्र के किनारे में, याद होगा आपको. He was casting the net to the sea. वो अपनी जाल समुद्र में डाल रहा था. The Lord Jesus was passing by. प्रभु यीशु वहां से होकर जा रहा था. The Lord Jesus said, "Follow me." और प्रभु यीशु ने कहा, मेरे पीछे हो ले. What did Peter do? पत्रस ने क्या किया? He was holding the net in his hand. उसके हाथ में मछुआरे का जाल था. Part of the net was in the sea. आधा जाल तो समुद्र के पानी में था. The Bible says he let the net go in the sea. बाइबल पवित्र कहती है उसने जाल को छोड़ दिया. He left it and followed the Lord. छोड़कर उसने प्रभु यीशु मसीह के पीछे हो लिया. Only few minutes he had to decide. उसके पास निर्णय लेने के लिए बस कुछ क्षण मात्र थे. Because the Lord is going. क्योंकि प्रभु यीशु मसीह तो जा रहा है. And he had to decide now what to do. और उसको तो निर्णय जल्दी लेना है अभी. So you can just imagine Peter's testimony, right? अब पत्रस की गवाही आप सोच के देखिए. If he is asked to come and give us a testimony, what he would have said? अगर पत्रस को बुलाएंगे यहाँ पर आकर गवाही तो क्या देगा? One day I was standing. एक दिन था मैं खड़ा था समुद्र के किनारे में. I was fishing. मैं मच्छी पकड़ रहा था. The Lord Jesus came. यीशु मसीह वहाँ से गुजर रहा था. He called me. उसने मुझे बुलाया. I heard the call. मैंने उसकी आवाज को सुना. I left the net there in the sea and went. मैंने अपना जाल समंदर में छोड़ दिया और प्रभु यीशु मसीह के पीछे होने के लिए चुन लिया मैंने. We also would like to give like that testimony. हम भी ऐसी गवाही देने के लिए इच्छा रखते हैं. See, look at what I did. देखो मैंने क्या किया प्रभु यीशु मसीह के लिए. How expensive is the net? मेरा जाल कितना महंगा था. Net is very expensive. जाल तो बहुत कीमती होता है. But I gave it up. मैंने उसको छोड़ दिया. That's how what we think. ऐसा हम सोचते हैं. But the Lord Jesus is saying. लेकिन यीशु मसीह कहता है. You have not chosen me. तुमने मुझे नहीं चुना. I have chosen you. मैंने तुम्हें चुना है. And I have ordained you. मैंने तुम्हें ठहराया है. That you may go and bear fruit. कि तुम जाओ और फल लाओ. When Peter finished his testimony. जब पत्रस की गवाही समाप्त हो गई. John would have got up. योहन्ना खड़ा होगा. You know John what he did? जोना पता क्या किया उसने? He said now Peter gave the testimony. पत्रस की गवाही हो गई अभी. Praise the Lord. परमेश्वर का धन्यवाद हो. But you listen to my testimony. अब भैया मेरी गवाही सुनो. I was fishing. मैं भी मछली पकड़ रहा था. I was in the boat. मैं तो नाव में था. I had my father with me. मेरे नाव में मेरे साथ मेरे पिताजी थे. I had many servants also in the boat. और कई नौकर चाकर थे. And I had lot of fish also in the boat. और बहुत मछली भी पकड़ रखी थी मैंने. Net also in the boat. जाल भी नाव में था. When the Lord Jesus called me. और जब प्रभु यीशु मसीह वहाँ से गुजरते मुझे बुलाए. I left my father, the servants and the fish and the net and boat and everything. कहता है मैंने पिता को छोड़ दिया, अपने दासों को छोड़ दिया, जाल को छोड़ दिया, मछली को छोड़ दिया, नाव को छोड़ दिया, सब कुछ छोड़ के आया. So I have made a choice. मैंने चुनाव किया है. What a great testimony. कितनी बड़ी गवाही है ये. When we give testimonies, we also talk like that. हम भी गवाही में ऐसे ही बातें करते हैं प्रियों. I am only imagining this. मैं केवल कल्पना करके कह रहा हूँ. Then after they both gave the testimony. दोनों की गवाही के बाद में क्या होगा? Matthew would have got up. मत्ते खड़ा हो गया होगा. You know,
तो लेवी का बेटा व्हाट दिस टू ब्रदर्स हैव सेड इज नथिंग अरे इन्होंने क्या कहा वो तो कुछ नहीं है आई वाज अ टैक्स कलेक्टर मैं तो इनकम टैक्स कलेक्टर था आई वाज हैड लॉट ऑफ मनी ऑन द टेबल मेरे मेज में तो पैसा भरा हुआ था आई वाज सिटिंग देयर और मैं बैठा पैसा लेके लॉर्ड जीसस जस्ट वेंट बाय द डोर यीशु मसीह वहां से गुजर के जा रहा था लॉर्ड जीसस लुक्ड एट मी एंड सेड यू फॉलो मी यीशु मसीह ने मेरी ओर देखकर कहा मेरे पीछे हो ले आई लेफ्ट ऑल द मनी एंड केम मैं सारा पैसा छोड़ के आ गया व्हाट अ ग्रेट मैन आई एम मैं कितना बड़ा आदमी हूं सोचते हो नाउ द लॉर्ड जीसस इज सेइंग द लास्ट नाइट ऑल व्हाट यू डिड बट यू मस्ट रिमेंबर I chose you. और आखिरी रात को प्रभु यीशु मसीह भोजन से पहले कहता है ये सब बातें तो तुमने किया परंतु याद इतना रखो तुमने नहीं चुना मैंने तुम्हें चुना है Even the Lord Jesus says, you didn't choose me. तुमने मुझे नहीं चुना What is the Lord telling now? ये क्या कह रहा है प्रभु जी After all our sacrifice, हमने इतना बलिदान कर चुके हैं you didn't choose me. I chose you. प्रभु कहता है तुमने नहीं चुना मैंने तुम्हें चुना है For what? किस लिए to go and bring forth fruit. जाकर फल लाओ fruit yielding tree फलदायी वृक्ष as Genesis chapter 1 says उत्पत्ति की पुस्तक पहला अध्याय में जो हम पढ़े हैं verses 11 and 12 says 11 और 12 में लिखता है it's all about fruit bearing वो पूरा भाग जो है फलदायी जीवन के बारे में बताता है this is the most third important thing in our lives हमारे जीवन में तीसरा बहुत ही प्रमुख नियम है we must bear fruit हमें फल लाना है now when we say bear fruit फल लाने की बारी जब आती है immediately we this must be the fruit of our service हम सोचते हैं ये फल जो है मैं परमेश्वर की सेवा का फल दूंगा I must do lot of activity मुझे प्रभु के लिए बहुत से काम करके दिखाना है I must win souls मुझे जाकर आत्माएं कमाना है the fruit I must show मुझे वो फल दिखाना अपने अंदर से but that is not the primary meaning of fruit bearing लेकिन फलदायी जीवन का मूल अर्थ वो नहीं है the fruit of our character हमारे चाल चलन का स्वभाव फल इट इज द प्राइमरी फ्रूट वो मूल फल है देन द सेकेंडरी फ्रूट फिर उसके बाद में अगला फल होगा विच इज द फ्रूट ऑफ आवर सर्विस वो हमारी सेवा का फल है वी हैव अ लॉट इन द बाइबल अबाउट फ्रूट बेयरिंग बाइबल पवित्र शास्त्र में फलदायी जीवन के बारे में बहुत शिक्षा है द ट्री शैल बी नोन बाय इट्स फ्रूट आप पेड़ को उसके फलों से पहचानते हैं इट इज आवर क्वालिटी एंड द कैरेक्टरिस्टिक्स of our lives वो फलदायी जीवन जो है हमारा गुण क्या है हमारा जीवन का चाल कैसा है उसको दिखाता है that is our fruit bearing वही हमारी प्रथम फलदायी जीवन है dear brothers and sisters now is a question अब प्रिय भाई बहनों हमारे पास एक प्रश्न है if you will know the answer आप इसे कहियो को उत्तर तो पता होगा where do you find the fruit of the spirit in the bible बाइबल पवित्र शास्त्र में आत्मा का फल कहाँ बताया गया है Where do you find the fruit of the spirit? आत्मा का फल के बारे में बाइबल पवित्र शास्त्र में कहाँ बताया गया है many of you are saying something okay aap aise kai log kuch bol to rahe hain lekin sunai nahi de raha did you say galatians kya aapne galatiyan galatiyon ki pustak patri patri bataya did you say chapter 5 kya aapne 5 adhyay bataya did you say verse 22 kya aapne 22 pad bataya yes and 23 also aur 23 pad bhi very good achhi baat hai usually as believers at least 50% of the believers will know that तकरीबन 50% से ज्यादा विश्वासियों को पता है गलातियों 5 अध्याय के 22 और 23 में आत्मा का फल का उल्लेख है द मोमेंट वी आस्क वेयर डू यू हैव द फ्रूट ऑफ द स्पिरिट वी से गैलेशियंस 5:22 जैसे पूछा गया आत्मा का फल कहां बताया गया अब सीधा बोलते गलातियों 5 अध्याय 22 पर बट माय क्वेश्चन इज वेयर शुड इट बी एक्चुअली मेरा प्रश्न ये है कहाँ लिखा है वो नहीं लेकिन कहाँ होना चाहिए गैलेशियंस 5:22 और इन मी गलाती 5 के 22 में लिखा रहना चाहिए या मुझ में होना चाहिए आत्मा का फल
We are very happy. Galatians 5:22. हम बहुत खुश हैं. हमको पता है. गलतियों 5:22 में लिखा है. But nothing in my life. लेकिन मेरे जीवन में कुछ नहीं है. I carry the Bible. Bible तो उठा के घूमता हूँ. If anyone wants to know the fruit of the spirit, I'll show from the Bible. अगर किसी को जानना है तो Bible खोल के दिखा दूँगा. But it must be in my life. लेकिन उसको मेरे जीवन में होना चाहिए. So since we said that it is in Galatians 5:22, क्योंकि हमने ये कहा कि गलातियों 5 अध्याय में लिखा है. Let us read that. आइए उसको पढ़ेंगे. But the fruit of the spirit is love, joy, peace, long suffering, gentleness, goodness, faith, meekness, temperance. Against such there is no law. पर आत्मा का फल प्रेम, आनंद, शांति, धीरज, कृपा, भलाई, विश्वास, नम्रता और संयम है. ऐसे ऐसे कामों के विरोध में कोई भी व्यवस्था नहीं. Oh, that is good. अच्छी बात है. We'll now go one by one. एक एक करके देखेंगे. The fruit of the spirit is love. आत्मा का फल प्रेम. Yes, I have some love. मेरे पास थोड़ा बहुत प्रेम है भैया. Fruit of the spirit is joy. आत्मा का फल आनंद है. I have some joy also. मेरे पास थोड़ा बहुत आनंद भी है. Fruit of the spirit is peace. आत्मा का फल शांति है. I have that also in some measure. हाँ, थोड़ा बहुत तो शांति मेरे पास भी है. So I am okay. अच्छा. But we come to the fourth one. जब चौथी बात आते हैं. The fruit of the spirit is long suffering. आत्मा का फल धीरज है. Now that is where the problem comes. यही तो समस्या आ रही. That I don't have. ये धीरज मेरे पास है नहीं. Where is this long suffering or patience? धीरज के साथ दुख सहने का अनुभव कहाँ है? People around me know very well that I am impatient. सब लोग जानते हैं मेरे आसपास कि मैं बहुत अधीरा व्यक्ति हूँ. I am not willing to endure. मैं लंबे समय तक कष्ट उठाना नहीं चाहता. I want everything at the very time that I want them. जब मुझे चाहिए उसी समय मुझे चाहिए, मैं बाट नहीं जोऊंगा. Then you go to another further difficult thing, gentleness. और उससे ज्यादा बढ़कर समस्या वाली बात है. करुणा. Where is gentleness? अरे भैया, कोमलता कहाँ है हमारे अंदर? Yes. When we talk, there is no gentleness. हमारी बातों में कृपा और कोमलता नहीं है. When we do things, there is no gentleness. हमारे कामों में कोई करुणा या कोमलता नहीं दिखती. We are like those bulldozers on the road. हम रास्ते में चलने वाले बुलडोजर के समान हैं. In our civil life, we have a thing called steam rollers. हाँ, इनके पास श्रीलंका में वहाँ पर इनके पास में स्टीम रोलर बोलते हैं. Because some people are like steam rollers. क्योंकि कुछ लोग जो हैं steam roller के समान हैं. They come and roll everything to the ground and go. जब वो आते हैं तो जितना कुछ है सब कुछ मिट्टी पलीत कर देते हैं. No one can stand on their way. उनके मार्ग में कोई भी खड़ा रहेगा तो उसको मिट्टी में दबा देंगे. Whatever I say is right. जो कुछ मैं बोलता हूँ करना ही है बस. I roll everybody to the ground and go. मैं सबको एकदम समेट करके निकाल जाऊंगा. There is no gentleness. उनके अंदर कोमलता नहीं है. Goodness. अच्छा, भलाई. Faith. विश्वास. Meekness. नम्रता. Oh, where is meekness? नम्रता कहाँ है? The fruit of the spirit is actually in Galatians 5:22. आत्मा का फल वास्तविकता में गलाती 5:22-23 में है. But not in my life. लेकिन मेरे जीवन में नहीं दिखता है. Are you known for meekness? क्या आप नम्रता के लिए जाने गए हो? Are you known for temperance, the last one? और कहता आखिरी बात, संयम के लिए क्या लोग आपको पहचानते हैं? That is, you are keeping the balance. क्या आप अपने आप को संयमी बना के रखते हो? You know your limit. आप अपनी सीमाओं को जानते हो क्या? Very often we don't know our limit. कई बार हम अपनी सीमा नहीं जानते. All the time we are going above the limit. हाँ, हमेशा अपनी सीमा पार करके चले जाते. We don't want to do our work. हम अपना काम तो नहीं करेंगे. We want to do other person's work. दूसरे के काम में टांग जरूर अड़ाएंगे. All the time we want to do other person's work. हमेशा दूसरे के काम में दखल देंगे. Yes. They want to teach others how to do things. दूसरों को सिखाना चाहेंगे कि उनको कैसे काम करना है. So this is a very sad thing. ये बड़े दुख की बात है. Because we don't have the fruit of the spirit. क्योंकि हमारे अंदर आत्मा का फल नहीं दिखता. Our Lord Jesus said. हमारे प्रभु यीशु मसीह ने कहा. I have ordained you that you
me bear fruit. कहता है मैंने तुम्हें इसलिए ठहराया है कि तुम फल लाओ. So brothers and sisters, it is an eternal thought of God that we may bear fruit of character. प्रिय भाइयों बहनों, परमेश्वर की अनंत काल की विचार योजना है कि हम अच्छे चरित्र का फल लाए. Before we can have any fruit of our service. इससे पहले कि हम अपनी सेवा का फल लाएं, हमें अच्छे चरित्र का फल देना है. We need to look at a couple of verses about the fruit bearing. फल लाने के बारे में कुछ वचन हम देखना चाहते हैं. We have Songs of Solomon, please. श्रेष्ठ गीत की पुस्तक. Songs of Solomon and chapter 4. Paramagitam, Shrestha Geet, 4 adhyay, 4 adhyay. Verse 16. Solapad. We'll read together. Milkar padenge. हे उत्तर वायु जा और हे दक्षिणी वायु चलिया, मेरी बारी पर बैठ जिससे उसके सुगंध फैले, मेरा प्रेमी अपनी बारी में आए और उसके उत्तम उत्तम फल खाए. Let my beloved come into his garden and eat his pleasant fruit. मेरा प्रेमी अपनी बारी में आए और उत्तम उत्तम फल खाए. The beloved must come into my garden. प्रेमी को मेरे बारी में आना है. But he is coming to eat whose fruit? फल कौन सा खाएगा? My fruit or his fruit? मेरा फल या उसका फल? His fruit. कहता है उसके उत्तम उत्तम फल खाए. I don't know whether it's in your language, but that is how it should read. Let my beloved come into his garden and eat his pleasant fruit. कहता है मेरा प्रेमी मेरी बारी में आए और उसके उत्तम फलों को मेरी बारी में सिखाए. What does that mean? इसका अर्थ क्या है? The Lord Jesus comes to taste his own fruit in us. प्रभु यीशु मसीह अपने फलों को हमारे भीतर खाने के लिए आता है. It is not just our own goodness. ये केवल हमारी भलाई का फल नहीं है. This our being is totally corrupted by sin. हमारा स्वभाव जो है पूरा पूरा पाप के कारण भ्रष्ट हो गया. Natural goodness God is not pleased with. स्वाभाविक भलाई या अच्छाई से परमेश्वर प्रसन्न नहीं होता. It is the fruit of the Lord Jesus Christ. ये प्रभु यीशु मसीह का फल हमें होगा. Now there is natural goodness in people. साधारण स्वभाव से हमारे अपने बीच में कुछ लोग अच्छे लोग हैं. You may go about and you meet people who are good. हम बाहर जाते हैं तो कुछ लोगों को मिलते हैं जो अच्छे गुण वाले होते हैं. When we say them to good morning, they will say good morning to us. हम उनको good morning बोलते तो वो हमको good morning बोलते हैं. That is how we are very good. अरे अच्छा आदमी अच्छा आदमी है. But that is not what the Lord is looking for. प्रभु उसको नहीं देख रहा है. He is looking for his fruits. वो अपने फलों को पकाने के लिए देखना चाहता है. That which is of the Lord Jesus in us. जो कुछ प्रभु यीशु मसीह का फल हम में हो. Brought to us by the Holy Spirit of God. हमारे अंदर परमेश्वर की पवित्र आत्मा के द्वारा उत्पन्न किया गया फल. So fruit bearing is a very special spiritual exercise. आत्मा में फल लाना जो है वो आत्मिक अनुभव और अभ्यास को दिखाता है. That is why the Lord Jesus connected that with choosing us. I have chosen you. और इसीलिए प्रभु यीशु मसीह ने फलदायी जीवन को जो है इस विचार से जोड़ा है कि उसने हमें चुन लिया है. So that he can have his fruit in our lives. ताकि जब उसने हमें चुन लिया है वो हमारे जीवन में अपने फलों को पा सकेगा. Philippians chapter 1 verse 11. फिलिपियों को लिखी पत्री पहला अध्याय 11 पद. फिलिपियों के 11. To have some understanding about the fruit. फल के बारे में कुछ विचार जानने के लिए. Philippians chapter 1. फिलिपियों एक अध्याय. Verse 11. और उसका 11 पद. Being filled with the fruits of righteousness which are by Jesus Christ unto the glory and praise of God. और उस धार्मिकता के फल से जो मसीह यीशु के द्वारा होते हैं भरपूर होते जाओ जिससे परमेश्वर की महिमा और स्तुति होती रहे. Not just
being filled with fruits of righteousness. कहता है केवल धार्मिकता के फलों से भरपूर हो जाओ नहीं कहता है. Filled with the fruits of righteousness which are by Jesus Christ. कहता है यीशु मसीह के द्वारा जो धार्मिकता का फल उत्पन्न होता है ना उससे भर जाना है. That is why the fruit of righteousness which are by the Lord Jesus Christ. धार्मिकता के वे फल जो प्रभु यीशु मसीह के द्वारा होते हैं. So God is not calling us to be good people just for the sake of becoming good. प्रभु यीशु मसीह हमें अच्छे लोग बनने के लिए बुला नहीं रहा है. God's purposes are different to ours. परमेश्वर की योजना हमारी योजना से अलग है. He wants us to have His fruit. वो चाहता है कि उसका फल हम में हो. Book of Hosea, please. होशिया की पुस्तक में पढ़ते हैं. After Daniel. दानियल के बाद होशिया की पुस्तक आती है. And we go to chapter 14. और उसका 14 अध्याय. Hosea 14 verse 8. होशिया की पुस्तक 14 अध्याय का 8 पद. Ephraim shall say, "What have I to do any more with idols? I have heard him and observed him. I am like a green fir tree. From me is thy fruit found." एफ्रेम कहेगा मूर्तों में मेरा आप क्या काम, मैं उसकी सुनकर उस पर दृष्टि बनाए रखूंगा, मैं हरे सनोवर सा हूँ, मुझी से तू फल पाया करेगा. Can you see the last line? आखिरी वचन पढ़ते हैं वहाँ पर. From me is thy fruit found. मुझी से तू फल पाया करेगा कहता है. So fruit bearing means actually being in union with the Lord Jesus Christ, the spiritual union. फलदायी जीवन का मतलब है प्रभु यीशु मसीह के साथ एक हो जाना, आत्मिक एकता में जुड़ना है. Our Lord Jesus living His life in and through us. हमारा प्रभु यीशु मसीह अब हम में से होकर वो जीवन जीता है. That is why our Lord Jesus said that we cannot do anything without Him. इसीलिए प्रभु यीशु मसीह ने कहा उसे छोड़कर हम कुछ नहीं कर सकते. Only if we are connected to Him, we can bear fruit. जब तक हम प्रभु यीशु मसीह के साथ जुड़े रहते हैं तब तक ही हम फल ला सकते हैं. John 15:4-5. योहन्ना सुसमाचार 15 अध्याय का 4 और 5 पर. Together please. मिलकर पढ़ेंगे. Everybody please turn. सब लोग निकाल लीजिए. योहान सुवार्ता 15:4-5 वचनालु. Very soon we will have lunch. जल्दी खाना मिल जाएगा, चिंता मत करो. So please you must now get interested. थोड़ा आप उसमें दिलचस्पी लीजिए. Right, we will now read John 15. जोर से पढ़ेंगे. हाँ, तुम मुझमें बने रहो और मैं तुम में, जैसा डाली यदि दाखलता में बनी रहे तो अपने आप से नहीं फल सकती, वैसे ही तुम यदि मुझमें बने न रहो तो नहीं फल सकती. मैं दाखलता हूँ, तुम डालिया हूँ, जो मुझमें बना रहता है और मैं उसमें, वह बहुत फल लाता फलता है, क्योंकि मुझसे अलग होकर तुम कुछ नहीं कर सकते. So what is the secret of fruit bearing? या फलदायी जीवन का रहस्य क्या है? Abiding in the Lord Jesus Christ. प्रभु यीशु मसीह में बने रहना है. So the first kind of fruit is the fruit of righteousness which are by the Lord Jesus Christ. धार्मिकता के फल जो प्रभु यीशु मसीह के द्वारा होते हैं. Not just righteousness. केवल धार्मिकता नहीं. God is never satisfied by that. परमेश्वर ऐसी साधारण धार्मिकता से संतुष्ट नहीं है. There are so many good people. बहुत से अच्छे लोग हमारे पास. God can see them. प्रभु परमेश्वर को देखता है. But it will not bring him joy. उसके द्वारा परमेश्वर को कोई आनंद नहीं होगा. He is not satisfied. उसे संतुष्टि नहीं है. Because they are not connected to the Lord Jesus. क्योंकि वे प्रभु यीशु मसीह में जुड़े हुए नहीं हैं. We are connected to the Lord Jesus. और हम जो प्रभु यीशु मसीह के बने हैं. He is the vine, we are the branches. वो दाखलता है, हम डालियां हैं. Your fruit will be of mine, the Lord Jesus said. कहता है होशिया की पुस्तक में तुम्हारा फल मुझी से होगा. Let my beloved come into his garden and taste his fruit. कहता है मेरा प्रेमी अपने बारी में आए और मेरी बारी में आए और अपने फल को खाए. Then the second verse. और दूसरा पद. Romans 6:22. रोमियों की पत्री 6 अध्याय का 22 पद प्रियो. Romans chapter 6 and verse 22. रोमियो 6 का 22 पर. But now being made free from sin and become servants of God, you have your fruit unto holiness and the end everlasting life. परंतु अब पाप से स्वतंत्र होकर और परमेश्वर के दास बनकर तुम
को फल मिला जिससे पवित्रता प्राप्त होती है और उसका अंत अनंत जीवन है. फ्रूट अनटु होलीनेस, पवित्रता के लिए फलना. फ्रूट्स ऑफ राइचसनेस, धार्मिकता के फल. फ्रूट अनटु होलीनेस, पवित्रता के लिए फल देना. हाउ यू हैव फ्रूट अनटु होलीनेस, कैसे पवित्रता के लिए फल देंगे? बाय बिकमिंग सर्वेंट्स ऑफ गॉड, कहता परमेश्वर के दास बनने के द्वारा. बाय यील्डिंग अवरसेल्व्स टू हिम, अपने आप को उसको सौंपने के द्वारा. बिकमिंग हिज पीपल, उसकी प्रजा बनने के द्वारा. बिकमिंग हिज सर्वेंट्स, उसके दास दासी बनने के द्वारा. वी हैव फ्रूट अनटु होलीनेस, हमारे अंदर ऐसे फल होते हैं जो पवित्रता को प्राप्त करते हैं. इट इज नॉट जस्ट एब्सेंस ऑफ सिन, पवित्रता का मतलब ये नहीं कि पाप नहीं है, ऐसा नहीं. इट इज मोर देन दैट, उससे कई गुना अधिक है वो. समथिंग दैट इज इंपार्टेड ऑन अस बाय गॉड हिमसेल्फ, हमारे जीवन में परमेश्वर के दिया हुआ एक विशेष बात है पवित्रता. इफ वी बिकम क्लोजर एंड क्लोजर टू हिम, जब हम परमेश्वर के निकट और निकट आते हैं. सो इन जेनेसिस चैप्टर 1, उत्पत्ति पहला अध्याय में, गॉड सेड यू, गॉड सेड दैट ही क्रिएटेड द ट्रीज व्हिच वाज बेयरिंग फ्रूट, परमेश्वर ने ही फलदायी वृक्षों को निर्माण किया. टुडे इन दिस वर्ल्ड, आज संसार में, गॉड हैज ट्रीज प्लांटेड व्हिच आर कॉल्ड द ट्रीज ऑफ राइचसनेस, आज परमेश्वर ने ऐसे पेड़ लगाए, वृक्ष लगाए जिनको धार्मिकता के वृक्ष कहता है. Who are bearing fruit unto righteousness, जो धार्मिकता का फल देते हैं. Fruit unto holiness, और पवित्रता के लिए फलते हैं. Then fruit of the spirit, और तब आत्मा का फल फलते हैं. That is the third one, वो तीसरी बात है. We have already looked at it, हमने उसे देख चुके हैं. That is Galatians 5:22, गलातियों के पत्री 5 अध्याय 22 और 23 में, and 23 also, और 23 में भी. And look at the list there, वहाँ पर लिखे हुए बातों को देखिए. We are very happy, love, joy, peace, हमें पहले तीन बहुत अच्छा लगता है, प्रेम, आनंद और शांति. But then comes the difficult things, उसके बाद भी कठिन बातें आती है. Long suffering, धीरज के साथ सहना है. Are you known as a person who is suffering long? क्या आप ऐसे व्यक्ति के समान जाने गए हो जो लंबे समय तक दुख सहेगा? The basic idea is being so patient and enduring, और उसका मूल विचार यह है कि धीरज के साथ सहनशीलता में बना रहेगा. Someone said, किसी ने कहा, if you want to know about a believer whether the believer has the fruit of the spirit, अगर आपको जांचना है, जानना है एक विश्वासी के अंदर आत्मा का फल है या नहीं, तो you must visit his house, उसके घर जाना है. And ask the dog at home, और घर के कुत्ते से पूछना है. Dog will tell you, कुत्ता बताएगा. Because dog is there near the door all the time, क्योंकि कुत्ता हमेशा दरवाजे के पास रहता है. Dog can hear all the conversation going inside the house, कुत्ते को अंदर क्या क्या बातें हो रही है सब सुनाई देता है. If our dog can speak, he will tell everybody, अगर हमारे कुत्ते बोल सकते तो वो सबको बता देते. It is good that dog cannot speak, he can only bark, परमेश्वर का धन्यवाद वो कुत्ते भौंकते हैं, बोलते नहीं है. Dog will know whether we are truly born again, कुत्ता जरूर जानता है कि हमारा नया जन्म हुआ कि नहीं हुआ. Yes, when you are going inside the house, you will kick the dog and go. अंदर घर में जाते हो क्या करेंगे? गली में कुत्ते को लात मार के जाएंगे. When the master is not kicking anymore, अगर कुत्ते को उसका स्वामी लात नहीं मारता, the dog knows my master is born again. हाँ, तब पता चल गया, अरे मेरा मालिक तो नया जन्म पाया अभी. He is different, अभी अलग हो गया मेरा मालिक. Now the dog is listening to all the talk that is going on in the house. अब घर की बातें भी कुत्ता सुनता है. He can hear what the wife is saying, what the husband is saying. पत्नी क्या बोल रही है, पति क्या बोल रहा है, दोनों सुनाई दे रहा है उसको. Then the dog will say, तब कुत्ता बोलेगा, Oh, I can see the fruit of the spirit. अभी मुझे पता चला मेरे स्वामी में आत्मा का फल है. Because this man is now very patient. अभी ये व्यक्ति अपनी पत्नी के साथ बड़ा धीरजवंत है. Wife is saying things to provoke him. और पत्नी तो उसे चुहा के उकसाने के लिए बहुत बातें बोल रही है. But he is very, very patient. लेकिन बिल्कुल शांत है मेरा मालिक. Earlier he was not like that. पहले तो ऐसा नहीं था. This difference must be there. प्रियो, ये अंतर दिखना है. It is not that I always have been good, now I am little better. ये नहीं कि मैं पहले अच्छा था, अभी थोड़ा और अच्छा हो गया, ऐसा नहीं है. Has to be that difference seen in our life. हमारे जीवन में ये अलगाव का, ये अंतर दिखना चाहिए. The fruit of the spirit, आत्मा का फल.
have temperance, keeping the limit and keeping the balance. We हम कितने संयमी हैं, अपना धीरज को हम कैसे संभाल कर रखते हैं? This man is very gentle now. और बहुत ही कोमल व्यक्ति बन गया है. Earlier he was very aggressive. पहले तो बिल्कुल क्रोधी था. Attack everybody. सब पर उबल पड़ता था. But now he is gentle. अभी तो बड़ी कोमलता है. How did it happen? ये कैसे हो गया? The fruit of the spirit. आत्मा का फल उसमें आया है. So these are the fruit that God is looking for. ऐसे फलों के लिए प्रभु देख रहा है. Then we have the fruit of the lips. और होठों का फल भी हम जानते हैं. Hebrews 13:15. इब्रानी 13:15 पद में. Which is so important. बहुत जरूरी है वो. Fruit of the lips. होठों का फल. What we are talking? तो हम क्या बोलते हैं बातें? That is Hebrews 13:15. The fruit of the lips there is praises to our God. इब्रानी 13:15 पढ़ते हैं कि आपने परमेश्वर की स्तुति के फल देते हैं. Yes, but the book of James. रूपी यज्ञ हाँ. But book of James says that praises and curses are coming from the same mouth. लेकिन उसी समय याकूब का पत्री कहता है कि एक ही मुंह से स्तुति और श्राप दोनों निकालते हो. Big problem. ये बड़ी समस्या है. The same tree is bearing sweet fruit and bitter fruit. एक ही पेड़ में से मीठा फल भी आ रहा है, कड़वा फल भी आ रहा है. It does not happen that way. ऐसा तो कभी होता नहीं. But somehow we are able to do it. लेकिन गजब के लोग हैं, वो भी कर दिया हमने. We are like a miracle. हम ही गजब के लोग हैं, हम ही अचंभा बन गए. We are the only tree that is having two kinds of fruit. हम ही एक ऐसे पेड़ है संसार में जिसमें दो किस्म के फल आते हैं. This branch very sweet. एक तरफ की डाली में मीठा है. The other branch very bitter. लेकिन दूसरी भी एक डाली है जहाँ बहुत कड़वा फल आता है. So the mother is warning the children. माँ अपने बच्चों को चेतावनी देती है. Don't make your father upset. पिताजी को गुस्सा नहीं दिलाना. Don't pluck any tree, any fruit from that branch. हाँ वो वाले डाली से पेड़ फल नहीं तोड़ना. It will be very bitter. वो डाली का फल है ना बहुत कड़वा निकलेगा. He speaks so many bad things. बहुत बुरी बुरी बातें बोलेगा. Such people are not believers. वैसे लोग विश्वासी नहीं. The spirit of God working in us. पवित्र आत्मा जब हमें काम करता है. Will give us the fruit of the spirit. वो आत्मा का फल हमारे अंदर लाएगा. And then fruit of our lips will be sweet. और हमारे होठों का फल मीठा होगा. Praises unto God. परमेश्वर की स्तुति का फल होगा. And then finally. और आखिरी में. John chapter 15 verse 16. यूहन्ना 15:16 में. What does it say? कहता है क्या? I have chosen you. मैंने तुम्हें चुना है. I have ordained you. मैंने तुम्हें ठहराया है. That you should go and bring forth fruit. कि तुम जाकर फल लाओ. And that your fruit should remain. और तुम्हारा फल बना रहे. Now you can interpret it the way you like. आप जैसे चाहो उसका अर्थ ले लो. You can say that oh this is my fruit of my service. ये मेरी सेवा का फल हो. All what I have brought the souls they must remain. और जो आत्मा मैं प्रभु के घर में लाया हूँ उनको बने रहना है. But the primary meaning is different. लेकिन उसका मूल अर्थ अलग है. You must have remaining fruit. आपके अंदर बने रहने वाले फल होने चाहिए. What do you have? आपके पास क्या है अभी? Permanent fruit or seasonal fruit? आपके पास हमेशा का फल है या केवल ऋतु के अनुसार फल है? Mango is a seasonal fruit. आम तो अपनी ऋतु में फलता है. Do you have mangoes these days? आपके पास आजकल आम मिलता है? Good mangoes? अच्छे आम? No, when you ask they say no, it's out of season. नहीं भैया अभी तो सीजन गया. You have to come that particular month to get the mango. हाँ भाई अच्छा आम चाहिए तो मार्च अप्रैल में आना है. We are also like that. हम भी वैसे ही हैं. Seasonal only. हम भी केवल ऋतु के अनुसार फल देते हैं. One day I come to him. एक दिन आता हूँ. He is very sweet. अरे एकदम मीठा फल है. Very good fruit. अच्छा फल है. But after one month I go. एक महीने के बाद गया तो. Oh, he is very angry. बहुत गुस्से वाला फल है. His fruit is all bitter only. उसका पूरा फल कड़वा हो गया है. I don't know what has happened. क्या हो गया नहीं मालूम. We are like that. हम ऐसे लोग हैं. We have seasonal fruit. हम समय समय से अलग अलग फल देते हैं. He say, don't talk to me today. आज मुझे सताना नहीं, आज मुझसे बात नहीं करना. I have some trouble at office. मेरे दिमाग में आज ऑफिस में कुछ हो गया है. Do not talk to me today. आज मुझे कोई छेड़ना नहीं. So everybody is trembling now. सब लोग घर में कांपते हैं. This man had some problem at office. ऑफिस में बॉस के साथ पता नहीं क्या गड़बड़ करके आया. Don't talk to me. आज बात नहीं करना उससे. Yes. We are like that. हम वैसे हैं. Seasonal fruit. हम सीजन के अनुसार फल देते हैं, ऋतु के अनुसार.
That's why we are called Sunday Christians. इसीलिए हमको रविवार के इतवार के मसीह. Sunday we are bearing so much of fruit. संडे को इतना अच्छा फल, इतना ज्यादा फल देंगे. Praise the Lord, brother. सबको दो हाथ से सबको praise the Lord. Let us pray, brother. आइए प्रार्थना करेंगे. Oh, how nice you are. आप कितने अच्छे भाई हो. Sunday fruit. ये सब संडे के लिए केवल. What is Monday fruit? फिर मंडे क्या होगा? Tuesday fruit. फिर ट्यूसडे क्या होगा? After 2 days the fruit become bad. फिर 2 दिन में तो गया फल काम से. You know we keep mango for some time, it will become bad. आम ला के घर में थोड़े दिन रख दो, थोड़े देर बाद खराब हो जाएगा. I have some plants in my room, banana. भाई के कमरे में हमने कुछ केले रखे. I knew now, I looked at them. If I don't eat them today, tomorrow it will go bad. हाँ देखा, आज नहीं खाऊंगा तो कल तो गए काम से. That is like our lives also like that. हमारा जीवन भी वैसा हो गया. One or two days we are okay. एक दिन दो दिन अच्छे रहते हैं. Sunday we are very good. Sunday के दिन बहुत अच्छे हैं. Monday we can still remember the message. हाँ सोमवार को तो अभी हाँ कल का सुना वचन थोड़ा थोड़ा याद है. But then Tuesday is the problem. लेकिन मंगल को तो होती समस्या. By Thursday, Friday everything is different. गुरुवार शुक्रवार के लिए तो पूरा पलट ही गया पूरा. Seasonal fruit. केवल ऋतु के अनुसार साधारण बातें बता रहा हूँ आपको. But these are the most important things. ये सबसे प्रमुख बातें हैं. The Lord Jesus said, प्रभु ने कहा, Your fruit should remain. तुम्हारा फल बना रहना चाहिए. Not seasonal fruit. तुम्हारा फल समय समय से नहीं होना चाहिए. The Spirit of God will never leave you nor forsake you. पवित्र आत्मा तुम्हें कभी छोड़ेगा नहीं, कभी त्यागेगा नहीं. So fruit also should remain with us. और जैसा पवित्र आत्मा तुम्हें बना रहता है वैसे ही फल भी बना रहना चाहिए. We must be known for the fruit of the Spirit. हमें पवित्र आत्मा के फल के कारण ही लोगों को जानना चाहिए. Please examine your life. कृपया करके अपने जीवन को जांच लीजिए. What is the fruit by which you are known? आप किस फल के कारण जाने जाते हो? We know each one according to the fruit. हम एक दूसरे को उनके फलों से पहचानते हैं. We have a picture. This brother is like this. This sister is like that. हमारे दिमाग में एक छवि बैठ जाती है. हाँ ये भाई ऐसा है, वो बहन ऐसी है. Are you known for love? क्या प्रेम के लिए जाने गए हो? Are you known for goodness? क्या भलाई के लिए जाने गए हो? Are you known for gentleness? क्या आप कोमलता के लिए जाने गए हो? Are you known for temperance? क्या आप संयम के लिए जाने गए हो? Are you known for joy? क्या आप आनंद के कारण जाने गए हो? A tree shall be known by its fruit. आप पेड़ को उसके फल से पहचानते हो. All these things God is reminding us when we read Genesis chapter 1 verses 11 and 12. ये सारी बातें उत्पत्ति की पुस्तक पहला अध्याय 11-12 पद में प्रभु स्मरण दिलाता है. God says he created the trees to bear fruit of his own kind. प्रभु कहता है हर एक पेड़ को उसकी अपनी अपनी जाति के समान फलदायी वृक्ष बनाया है. God has saved you and me that we may bear fruit. परमेश्वर ने आपको मुझे इसलिए उद्धार दिया कि हम फल लाएं. Fruits of righteousness which are by Jesus Christ. के फल जो प्रभु यीशु मसीह के द्वारा आते हैं. Fruits of holiness by becoming servants of God. पवित्रता के फल परमेश्वर के दास दासी बनने के द्वारा आते हैं. Fruit of the Holy Spirit. पवित्र आत्मा का फल. Fruit of our lips. हमारे होठों का फल. The fruit that will remain. और बने रहने वाला फल. The fruit His fruit, not my own. ये फल उसके फल हैं, मेरे अपने फल नहीं हैं. It is the working of the Lord Jesus in our lives. ये प्रभु हमारे जीवन में प्रभु यीशु मसीह के कार्य को प्रकट करता है. He can immediately, you and I, you can judge me immediately how close I am to the Lord Jesus. आप और मैं हम हर एक को जांच सकते, परख सकते, व्यक्ति प्रभु यीशु मसीह के कितना निकट है. It is not by preaching. ये संदेश के द्वारा नहीं होता. Preachers can sell beautiful stories. याद रखिएगा प्रचारक बड़े सुंदर बातें बता सकते हैं. But how is his life? उसका जीवन कैसा है? He is by the life. Life is the fruit. याद रखिएगा उसका जीवन उसके फल उसका फल ही उसका जीवन है. And God wants us to bear the fruit of his character. और प्रभु चाहता है कि हम उसके गुणों का फल दे. So let us desire that kind of fruit. इसलिए हम ऐसे फलवंत जीवन के लिए लालसा करें. So brothers and sisters, let us spend some time in prayer. तो आइए प्रिय भाइयों बहनों हम कुछ क्षण प्रार्थना में बैठें. Desiring the Lord Jesus to
have his fruit and to have that fruit very much in our lives. हम प्रभु से ये इच्छा करेंगे, ये लालसा करेंगे कि प्रभु यीशु मसीह हमारे जीवन में उसके फल उसको मिले और वो भी बहुतायत से मिले. Abide in me. प्रभु कहता है मुझ में बने रहो. That is what the Lord Jesus says. वही प्रभु यीशु मसीह ने कहा. Have you been away from him? क्या आप प्रभु यीशु मसीह से दूर हुए हो? Can you feel that you are away from him? क्या आप ये सोच रहे हो कि प्रभु यीशु मसीह से आप अलग हो, दूर हो गए? Then you must come back. आपको लौट कर आना है. Come back to the Lord Jesus. प्रभु यीशु मसीह के पास लौट कर आओ. Come back to him. उसके पास लौट कर आओ. Into him. उसमें लौट कर आओ. Shall we pray now? आइए हम प्रार्थना करेंगे. आंखें बंद करें, घुटना टेक दें. Please, let us bow in His presence and let us not walk about. कृपया करके प्रभु के सन्मुख झुक जाएं, कोई भी यहाँ वहाँ नहीं चल रहा. Let us desire that we may have that separated life. हम प्रभु के पास ये लालसा करें, ये आशा करें कि हमारा अलगाव का जीवन हो. The water that is above the firmament. पृथ्वी के या ऊपर का जल बनने के लिए. The heavenly people. जो स्वर्गीय लोग हैं. With a heavenly calling. स्वर्गीय बुलाहट के साथ. Lord, we thank you that you are our heavenly high priest. प्रभु जी हम आपको धन्यवाद देते हैं कि आप हमारे स्वर्गीय महायाजक हैं. Even now, Lord, as we repent of our sin, failure, shortcomings, Lord, you will stand before the Father. और पिताजी अभी हम आपके सामने अपने पाप, अधर्म और पतन के लिए पश्चातापी होकर मान लेते हैं और ये जानते हैं कि आप हमारे पक्ष में पिता के सामने सहायक होकर खड़े रहते हैं. You will sprinkle your precious blood upon us. प्रभु जी आप अपना बहुमूल्य लहू हम पर छिड़केंगे. O Lord, we thank you that on the third day you created the plant life. पिताजी धन्यवाद देते हैं प्रभु जी आपने तीसरे दिन में सारे वन के जाति जाति के पेड़ों को बनाया. Everywhere around us we can see fruit bearing trees. हमारे चारों तरफ हम फलदायी वृक्षों को देखते हैं. But Lord, you are saying to us that we must also bear fruit. प्रभु आप हमसे कहते हैं कि हमें भी फल देने वाले लोग बनना है. When you were upon this earth, you went to a fig tree and found there were no fruit. जब आप पृथ्वी पर थे, आप एक अंजीर के पेड़ के पास गए और उस पर आपने कोई भी फल नहीं पाया. Lord, today you are coming to us. Lord, what will you see? प्रभु जी आज जब आप हमारे पास आए, मेरे पास आए, आपको क्या दिखेगा? Where is my fruit? मेरे जीवन में फल कहाँ रह गया? You are asking us that question. प्रभु जी आप हमसे ये प्रश्न पूछ रहे हो. Where is my fruit? मेरा फल कहाँ है? Lord, we pray that you will give us and that fruit and the Holy Spirit will produce that fruit in me. प्रभु जी माँ से प्रार्थना करते कि आप हमें वो फल दे और पवित्र आत्मा हमारे अंदर वो फल को उत्पन्न करे. Lord, I want to have the fruit described in Galatians 5:22 and 23. प्रभु जी गलातियों की पत्री 5 अध्याय का 22 और 23 में जो आत्मा का फल वर्णन किया है, मैं वो फल चाहता हूँ. Lord, I want to be known for those fruit. प्रभु जी उन बातों के लिए, उस फल के द्वारा ही मैं जाना जाऊं, ऐसा मैं चाहता हूं. Will you pray like that? क्या आप ऐसी प्रार्थना करोगे? Lord, I want to be known for my gentleness. प्रभु जी मैं अपनी कोमलता के कारण जाना जाऊं, ऐसा चाहता हूं. Lord, I want to be known for my temperance. प्रभु जी मैं अपने संयम के द्वारा जाना जाना चाहता हूं. I want to be known for my long suffering nature. प्रभु जी मैं धीरज के स्वभाव वाला व्यक्ति हूँ, ऐसे लोग मुझे जान सके.
Forgive me, Lord, for neglecting these things. प्रभु जी इन बातों को मैंने अनदेखा किया, मुझे क्षमा कर दीजिए. May my natural qualities be put to death in the Lord Jesus. मेरे सारे स्वाभाविक जो गुण हैं, वो प्रभु यीशु मसीह के साथ क्रूस पर लगा दिया जाए. Oh Lord, bury them. प्रभु जी उनको गाड़ दीजिए. Which are by the Lord Jesus Christ. परंतु मेरे अंदर वो फल हो जो प्रभु यीशु मसीह के द्वारा उत्पन्न होता है. Loving Lord, hear and answer my prayer. हे प्रभु मेरी प्रार्थना को सुन पिता. I don't want to continue as a fruitless tree. मैं निष्फल जीवन, निष्फल पेड़ के समान जीना नहीं चाहता. Lord, I want to be that branch that bears much fruit. बहुत फल लाने वाली डाली के समान मेरा जीवन बदल दीजिए. Otherwise my life is useless, Lord. नहीं तो फिर मेरा जीवन निकम्मा है पिता. The number of years are empty. और मेरा जीवन के बहुत साल तो खाली रह गया है. Have mercy upon me. मुझ पर दया करो. Visit me, Lord. प्रभु जी मुझसे भेंट करो. Accept my prayer. मेरी प्रार्थना को ग्रहण करो. Let me, Lord, like a tree that has its fruit always. पिता जी ऐसा पेड़ बना मुझे जो हमेशा फल देता है. Our gracious, loving heavenly Father, हमारे अनुग्रहकारी प्रेमी स्वर्गीय परमेश्वर पिताजी, praise thee for gathering us together. हमें आपने इस स्थिति से इकट्ठा किया, इसके लिए धन्यवाद देते हैं. Being with us, Lord. हमारे साथ आप हैं, इसलिए धन्यवाद देते हैं. Lord, we thank thee for giving us thy grace to sit and meditate on thy word. धन्यवाद देते हैं आपका वचन, बैठकर हम ध्यान करने के लिए आपने सहायता अनुग्रह दिया. What we have gathered this morning may be of spiritual blessing and benefit to us. जो कुछ हमने आपके पास आज सुबह बटोरा है, वो सब हमारे लिए आत्मिक लाभ और आशीष का कारण. God, our loving God. आप हमारा प्रेमिक परमेश्वर हैं. Lord, continue to be with us. प्रभु हमारे साथ लगातार आपकी उपस्थिति बनाए रखे. Lord, minister to our every need. प्रभु जी हमारी हर एक आवश्यकताओं को पूरी करे. Lord, bless our time of fellowship together. हमारे संगति का समय आशीष का कारण बनाइए. Accept our thanksgiving. हमारे धन्यवाद को ग्रहण कीजिए. Of our loving Savior, the Lord Jesus Christ, we pray. हमारे प्रेमी उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के पवित्र नाम से प्रार्थना चढ़ाते हैं. आमीन. आमीन.